और उस लैंग्वेज को आप ठीक से यूज भी नहीं कर पाएंगे जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस संदर्भ में और जिस तरीके से वो लैंग्वेज का इस्तेमाल इनकम टैक्स एक्ट में किया गया है। तो आपको ये बात बड़े मद्देनजर रखनी है अपने कि मैं अब चूंकि इनकम टैक्स अथॉरिटी बन गया हूँ, अब मैं दूसरे लोगों के नोट्स पे निर्भर नहीं रहने वाला। एग्जाम पास करना एक अलग चीज थी। एग्जाम तो 40 या 45% की नंबर लाके भी पास हो जाता है, थोड़ा आपको कभी ग्रेस पास भी मिल जाता है, लेकिन जो आपका नौकरी का पार्ट है, जो आप करने जा रहे हैं, वो 100% पे करना है आपको। उसमें 45 या 50% का कोई मामला नहीं है। तो चूंकि वो आपको 100% पे करना है, 100% आपका जो भी कार्य है वो सही होना चाहिए, क्योंकि आप लॉ से रिलेटेड काम कर रहे हैं। इमेजिन करिए कि कोई जज हो और वो जो है किसी दूसरे के नोट्स को पढ़ के अपना जजमेंट लिखना शुरू कर दे, तो क्या होगा? यदि वो जज हो, अगर वो लॉ को खुद ना डायरेक्टली पढ़े, बिना लॉ को पढ़े और जो आर्टिकल्स वगैरह लिखते रहते हैं लोग, उनको पढ़ के जजमेंट देना शुरू कर दे, तो क्या होगा? तो हमारे जो लेजिस्लेचर हैं, वो पारित करते हैं लॉ, और लॉ पारित होती है एक सर्टन लैंग्वेज में। जैसे हमारे यहाँ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जितनी भी लॉ पारित हो रही है वो अंग्रेजी भाषा में लिखी जाती है और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन उपलब्ध कराया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जब भी कोई लॉ पारित हो रही है तो अगर हिंदी और अंग्रेजी के बीच में कहीं कोई डिस्प्यूट हो जाए और हिंदी वाले को इंटरप्रिटेशन के रूप में लिया जाता है, क्योंकि ओरिजिनली लैंग्वेज जिस भाषा में ये हमारा इनकम टैक्स एक्ट है वो लिखा गया वो इंग्लिश है। अब आजकल कुछ अधिनियम हिंदी में भी डायरेक्टली लिखे जा रहे हैं और फिर उस केस में उनका इंग्लिश का संकलन जो ट्रांसलेशन है वो रिलीज होता है, ओरिजिनली हिंदी में भी पारित हो रहे हैं लेकिन बाद में उनका इंग्लिश का भी साथ में ट्रांसलेशन रिलीज होता है। लेकिन ये जो इनकम टैक्स एक्ट है ये ओरिजिनली इंग्लिश में पास किया गया है और इसका जो ट्रांसलेशन वो हिंदी में है। जो ट्रांसलेशन और ओरिजिनल के बीच में जब भी कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वहाँ पर ओरिजिनल वाला जो वर्जन है उसको इंटरप्रेट किया जाता है या उसी को सही माना जाता है। तो ये हुई बात थोड़ा सा वर्णन इनकम टैक्स एक्ट के बारे में। इनकम टैक्स एक्ट आपको पता ही है कि सबसे पहले 1860 में हम लोग अभी मनाए भी थे उसके 1860 से अब 160 वर्ष 2020 में हो गए थे, 2021 में 161 वर्ष हो गए जब से इनकम टैक्स का कोड इनकम टैक्स पे एक्ट पर इनकम पे टैक्स जब से लेना हमने हमारे देश में यहाँ पे इस एरिया में शुरू हुआ है। तो फर्क यही है कि पहले यहाँ के राजा लोग जो थे वो लोग जो राज कर रहे थे भारत के ऊपर वो ब्रिटिशर्स थे और ब्रिटिशर्स ने शुरुआत की और 1860 में वो इनकम टैक्स का कोड लेके आए। उसके बाद उसका उन्होंने कुछ चेंजेस किए 1865 में, कुछ चेंजेस किए, एक बड़ा चेंज बाद में 1886 में भी आया था और उसके बाद फिर 1922 में ये बड़ा विस्तृत एक्ट पास हुआ इनकम टैक्स एक्ट। और बल्कि आप देखेंगे तो 1961 में जो हमारा एक्ट आया है वो काफ़ी हद तक 1922 वाले एक्ट के तरह ही लगता है, काफ़ी प्रावधान उसके तरह के लगते हैं। और उसके बाद बहरहाल हम लोग अमेंडमेंट करते चले आ रहे हैं और आप देखते होंगे कि हर साल तमाम अमेंडमेंट होता है इनकम टैक्स एक्ट में, तो उसका स्वरूप धीरे 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 बदलता रहता है और आज की तारीख में जो एक्ट हमारे सामने है उसका भी स्वरूप काफ़ी पहले से भी फर्क है कई मानों में। हालांकि कई चीज़ें उसकी वैसे ही हैं जो पहले थी, जो मुख्य व्यवस्था है एक्ट की वो भी वैसे ही है जैसे पहले थी ज़्यादातर मोटा मोटा अगर देखते हैं, और लेकिन बहुत सी चीज़ें जुड़ी हैं
और बहुत सी चीजें मॉडिफाई हुई हैं, अमेंड भी हुई हैं। तो हर साल आप जब भी फाइनेंस बिल रिलीज होता है तो आप देखते होंगे कि तमाम अमेंडमेंट्स उसमें होते हैं, एक अमेंडमेंट नहीं होता, तमाम अमेंडमेंट्स होते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट होता है अमेंडमेंट्स का, पूरी किताब छप जाती है उसकी, इतने अमेंडमेंट्स होते हैं, इतने अमेंडमेंट्स होते हैं। आप सोचिए कि कितने लोग मेहनत कर रहे होंगे उन अमेंडमेंट्स को बना के, उसको लॉ मिनिस्ट्री से पारित करा के उसको इंट्रोड्यूस करना, इतना कठिन और जटिल कार्य है और वो बहुत लिमिटेड लोग कर रहे हैं। इसके पीछे कोई संगठन नहीं है हमारे यहाँ जो कि एक्ट को बनाने का काम करता हो या उसके प्रावधानों को बनाने का काम करता हो। वो हमारे ऑफिसर्स ही हैं जो या तो CBDT में पोस्टेड हैं और वो इन प्रावधानों को बनाते हैं और फिर उसको लॉ मिनिस्ट्री से ओके कराते हैं और उसके बाद उसको पारित करवाते हैं। जो जो पारित हो जाता है फिर उसको फाइनेंस बिल में पहले इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद वो फिर हमारे दोनों जो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैं वहाँ पे पारित होता है और प्रेसिडेंट का उसके बाद उस पर स्वीकृति होती है और उसके बाद वो इनैक्ट हो जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है और उसके अंतर्गत जो एक्ट के तहत जो रूल्स हैं वो रूल्स भी बनाए जाते हैं समय समय पर, और ये रूल्स बनते हैं और इनको पार्लियामेंट के टेबल पे भी प्रस्तुत किया जाता, रखा जाता है, जिससे ये नज़र में आ जाए लेजिस्लेचर के। और इस तरह से लगातार कुछ ना कुछ बदलाव उसमें होते रहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी मैंने जैसे आपको ये एडवाइस किया कि आप इनकम टैक्स एक्ट को डायरेक्टली पढ़िए। अब आप कहेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट में कहाँ से खोलूँ, तो मैंने आपको एक रास्ता दिखाया है कि जहाँ से मैंने अभी खोला है यह है IncomeTaxIndia.gov.in। यहाँ पर डिपार्टमेंट ने व्यवस्था कर रखी है कि लेटेस्ट जो भी प्रावधान हैं जो पारित हो चुके हैं वो आपके समक्ष यहाँ पे आए और रूल्स भी उससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो भी हैं और फॉर्म भी हैं और इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन सर्कुलर्स वगैरह भी इस अच्छे वेबसाइट पे, बहुत बेहतरीन वेबसाइट है जिसके लिए भारत को मतलब हमारे डिपार्टमेंट गर्व होना चाहिए। इतना बेहतरीन खूबसूरत वेबसाइट बना रखा है कि इसमें इतनी बढ़िया सुविधा उपलब्ध कराई हुई है, तो आपको इससे जुड़ के रहना। तो आपके लिए एक मैसेज ये हुआ कि इनकम टैक्स एक्ट को डायरेक्टली पढ़ना है, पढ़ने की कोशिश करनी है और दूसरे नोट्स को आप कुछ देर के लिए हटा दीजिए और इनफैक्ट हमेशा के लिए हटा दीजिए चाहे तो आप। हाँ, कुछ बहुत एक्सपर्ट्स की कमेंट्री छपती हैं, वो आती रहती हैं, जहाँ पर कोई डाउट हो तो कमेंट्री में आपको ये दिया जाता है कि इस विषय पर और कौन कौन से केस लॉज या जजमेंट्स आए हैं, तो उसमें जजमेंट में क्या लिखा है, थोड़ा उस बारे में एक समरी दी होती है, तो वो कभी कभी वो काफ़ी यूजफुल रहता है। क्योंकि तो कोर्ट्स का काम क्या है, देखिए कोर्ट जो है ये बताते हैं कि इस प्रावधान का अर्थ क्या है, यानी कि उस प्रावधान का मीनिंग उसको इंटरप्रेट करते हैं। प्रावधान बनाने का काम कोर्ट का नहीं है, तो प्रावधान जो बनाए जा रहे हैं वो तो लेजिस्लेचर के द्वारा पारित हो रहे हैं और यानी लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जा रहे हैं और उसके बाद कोर्ट्स का काम ये है कि उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं। कभी कोई इंटरप्रिटेशन में डाउट हो जाता है तो उनको उसको फिर कोर्ट इंटरप्रेट करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि आजकल वो मामला कोर्ट्स में काफ़ी चल रहा है कि भाई हमने अपने रीओपनिंग के प्रावधान बना दिए थे और उसी दूसरी तरफ हमने पुराने व्यवस्था का टाइम बढ़ा दिया था, तो उसके उस विषय पे कोर्ट्स में मैटर गए हैं कि डिपार्टमेंट को व्यवस्था फॉलो करनी है 1 अप्रैल से या पुरानी व्यवस्था फॉलो करनी है, तो क्योंकि पुरानी व्यवस्था का एक तरफ टाइम बढ़ा दिया गया, दूसरी तरफ नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लाई गई रीओपनिंग की, तो इस बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। चर्चा क्यों हो रही है कि मामला कोर्ट के समक्ष जाता है और कोर्ट उसको फिर इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। अब जो है हम आते हैं सेक्शन 1 पे। सेक्शन 1 कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपल है, ये तो केवल टाइटल की बात करता है और
ये बता रहा है आपको कि 12वां ईयर जो रिपब्लिक का था उसमें ये पार्लियामेंट के द्वारा इनैक्ट किया गया है। और जो यहाँ शब्द ये कि एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2021, तो उसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि इस वेबसाइट पर आपको फाइनेंस एक्ट के द्वारा जो अमेंडेड एक्ट है उसके प्रावधान मिलेंगे, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट है ये और इसको फॉलो किया जा सकता है। अब सबसे पहले कह रहे हैं कि ये एक्ट जो है इसको इनकम टैक्स एक्ट 1961 बुलाया जाएगा, यानी इसका इस एक्ट का ये नाम है, इस तरह से इसको बुलाया जाएगा और ये पूरे भारत में ये लागू है और ये फोर्स में आया था 1 अप्रैल 1962। और इस एक्ट के द्वारा जो भी इनकम टैक्स और सुपर टैक्स से रिलेटेड लॉ थी उसको कंसोलिडेट और अमेंड किया गया है, और एक तरह से जितने भी पुरानी लॉ थी उसको सब इकट्ठा किया गया है और उपयुक्त तरीके से उसको अमेंड करके और ये फिर एक्ट बनाया गया और उसको लागू किया गया। और ये जो 43 ऑफ 1961 है इसका मतलब ये है कि 1961 ईयर का ये 43वां एक्ट था, अधिनियम था जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया। मैं आ जाता हूं सेक्शन 2 पर। तो सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशंस हैं और आप देखेंगे कि डेफिनेशंस हर एक्ट का एक पार्ट होती है, जो भी एक्ट पारित होते हैं डेफिनेशंस उसका एक पार्ट होती है और डेफिनेशंस के बिना कोई एक्ट नहीं होते, हर एक्ट में डेफिनेशंस होती हैं और जनरली ये सेक्शन 2 में ही होती है किसी भी एक्ट में, किसी भी अधिनियम में। तो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज जो शब्द हैं या फ्रेजेस हैं उनको यहाँ डिफाइन किया जाता है जो इस एक्ट में यूज किए जाएंगे और उसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है या उनका मीनिंग क्या है वो यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाता है। अब लेकिन सेक्शन 2 में आने से पहले मैंने सेक्शन 2 इसलिए खोल दिया आपके लिए कि ये सब यहाँ डेफिनेशंस हैं जिसको हम कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको सेक्शन 3 के बारे में बताना चाहता हूँ। सेक्शन 3 में बस एक चीज डिफाइन की गई है वो है प्रीवियस ईयर। तो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 ये दोनों ही प्रीवियस ईयर दोनों ही डेफिनेशन के सेक्शन हैं और सेक्शन 3 में केवल एक ही चीज डिफाइन की गई है वो है प्रीवियस ईयर। सेक्शन 2 एक विस्तृत सेक्शन है जिसमें बहुत सारे डेफिनेशंस हैं और सेक्शन 4 जो है वो ये बताता है कि इनकम टैक्स जो है डिपार्टमेंट कैसे चार्ज कर रहा है, कहाँ से अधिकार मिल गया डिपार्टमेंट को कि इनकम टैक्स ले ले लोगों से। तो इसको चार्जिंग सेक्शन भी बोलते हैं, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लेने का जो प्रभार है या जो जिम्मेदारी है वो डिपार्टमेंट के पास कैसे आई, ये जिम्मेदारी दे रहा है सेक्शन डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, इसको अभी हम देखते हैं। सेक्शन 5 केवल एक चीज डिफाइन करता है और वो है टोटल इनकम। टोटल इनकम का डेफिनेशन सेक्शन 2 में नहीं है, टोटल इनकम का डेफिनेशन सेक्शन 5 में है। सेक्शन 3 में भी एक ही डेफिनेशन है वो है प्रीवियस ईयर। सेक्शन 5 में भी एक ही डेफिनेशन वो है टोटल इनकम और सेक्शन 5 ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पुराने कोड के पोर्चुगीज सिविल कोड के हिसाब से है, उसको पे हम आएंगे। सेक्शन 6 जो है, मतलब मैं आपको वो व्यवस्था बता रहा हूँ कि जो मैं कवर करने वाला हूँ, सेक्शन 6 इस बारे में बात करता है कि रेसिडेंट हम किसको बोलते हैं, क्योंकि सेक्शन 5 में हम कहते हैं कि रेसिडेंट को टैक्स इस तरह से किया जाएगा। तो जब हम सेक्शन 5 में कहते हैं रेसिडेंट को टैक्स किया जाएगा तो फिर सेक्शन 6 में हम बताते हैं कि रेसिडेंट होता क्या है। तो सेक्शन 6 रेसिडेंट की डेफिनेशन है और जो रेसिडेंट नहीं होता वो है नॉन रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, जो साधारण रूप से रेसिडेंट नहीं है। रेसिडेंट का मतलब जो रह रहा है। डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 5 में, टोटल इनकम की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 3 में, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 7 में
और सेक्शन 8 में और सेक्शन 9 में ये बताया जा रहा है कि टोटल इनकम जब हमने डिफाइन किया तो हमने कहा कि कोई चीज होती है इसको कहते हैं डीम टू बी रिसीव्ड, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड। जब हमने सेक्शन 5 में इसको लिखा कि इनकम डीम टू बी रिसीव्ड, तो सेक्शन 7 में हम बता रहे हैं कि ये इनकम डीम टू बी रिसीव्ड क्या होती है। इसी तरह सेक्शन 9 में हम बता रहे हैं कि इनकम डीम टू अक्रू या राइज क्या होती है, जो जिसका जिन शब्दों का प्रयोग हमने सेक्शन 5 में किया हुआ है। तो सेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है क्योंकि सेक्शन 5 में टोटल इनकम को डिफाइन किया गया है और सेक्शन 4 ये कहता है कि टोटल इनकम पे लगता है टैक्स। क्योंकि सेक्शन 4 ये कहता है कि इनकम टैक्स टोटल इनकम पे लगता है, उसके बाद सेक्शन 5 ये बताता है कि ये टोटल इनकम होता क्या चीज है, और ये बताते हुए वो डीम टू बी रिसीव्ड और डीम टू अक्रू या राइज की बात करता है कि इनकम कब ये मान ली जाएगी कि रिसीव हो गई है, या इनकम कब ये मान ली जाएगी कि वो अक्रू या राइज हो गई है, इनकी बात करता है। तो उसके बाद क्योंकि सेक्शन 5 ये बात करता है डीम टू रिसीव बी रिसीव्ड के बारे में या डीम टू अक्रू या राइज के बारे में बात करता है, तो इसलिए ये जो दो फ्रेजेस हैं डीम टू बी रिसीव्ड डीम टू अक्रू या राइज इन इंडिया, इनको सेक्शन 7 और सेक्शन 9 में विस्तृत रूप से डिफाइन किया गया। उसके बाद सेक्शन 8 में डिविडेंड इनकम क्या होती है वो डिफाइन की गई। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये सारे डेफिनेशन ही हैं जो हम कवर करने वाले हैं, लेकिन डेफिनेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर डेफिनेशन हमने सब पकड़ लिए ठीक से तो हमें टैक्स की व्यवस्था का अच्छा ज्ञान हो जाता है, और क्योंकि बार बार हमको आना पड़ेगा वापस डेफिनेशन पे, जब भी हम आगे कहीं टैक्स लगा रहे होंगे तो हमें वापस डेफिनेशन पे आना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन हमारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए दिमाग में कि अलग अलग शब्दों की या फ्रेजेस की डेफिनेशन क्या है। क्योंकि ये जो जितनी डेफिनेशंस हैं ये कोई लिटरेरी साहित्यिक डेफिनेशन नहीं है, ये लॉ में डिफाइन किया जा रहा है चीजों को। तो लॉ किसी भी चीज को जैसी उसकी लॉ की मंशा होती है या लॉ का जो पर्पज होता है उसके हिसाब से कुछ चीजों को डिफाइन करती है। जब मैं कहता हूँ टोटल इनकम, तो टोटल इनकम का मतलब जो मैं साहित्यिक डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं कि कुल आय कितनी है। टोटल इनकम इज अ लिटरेरी, इट इज नॉट ए लिटरेरी डेफिनेशन, इट इज अ टेक्निकल डेफिनेशन, ये तकनीकी परिभाषा है और इस वजह से तकनीक को पकड़ना जरूरी है। इनकम टैक्स एक्ट का जो हमारा कार्य क्रियान्वयन जो डिपार्टमेंट करता है वो उसमें बहुत सी टेक्निक है, और इसका जो डोमेन है ये बहुत ज़्यादा कई चीज़ों कई मानों में बहुत फोकस डिमांड करता है। शब्दों के जरा सा हेर फेर से मतलब बदल जाता है, तो इसलिए इनकम टैक्स एक्ट को हमको स्कूली बच्चों की तरह पढ़ना बंद कर देना है, इनफैक्ट शुरू से भी नहीं पढ़ना चाहिए स्कूली बच्चों की तरह। और ये मैसेज खासतौर पर उन लोगों के लिए जो आईटीओ का एग्जाम देंगे, स्कूली बच्चों की तरह पढ़ने से आप केवल कंफ्यूज होंगे, नथिंग एल्स, फलाने ने ये कह दिया, खटाने ने ये कह दिया, इस किताब में ये लिखा है, उस किताब में ये लिखा है, सब भूल जाइए आप। डायरेक्टली इनकम टैक्स को इनकम टैक्स एक्ट से पढ़िए, अगर वहां पर आपको कोई भी वाक्य ऐसा है जो आपकी भाषा में प्रयोग नहीं हुआ है या आपने नहीं सीखा है, उसको आप रिलेटेड जो उसके डिक्शनरीज आती हैं उससे चेक करिए कि इसका क्या मीनिंग है। मैं ये नहीं बोलता हूँ गूगल बिल्कुल मत करिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जरा भी आप इधर उधर जाके ना, जहाँ डाउट हो वहाँ आप संबंधित लिटरेचर को देख सकते हो, लेकिन संबंधित लिटरेचर को देखने का मतलब केवल रेफरेंस के लिए देखने की बात कर रहा हूँ, उस पर निर्भर नहीं कर जाना है टोटली। अल्टीमेटली आपको निर्भर करना है अपनी काबिलियत पे और अपने भाषा की समझ पे। अगर भाषा आपको कोई नहीं समझ में आ रही है तो भाषा की समझ को इम्प्रूव करना है, इस हद तक इम्प्रूव करके लेके आना है कि भाषा आपको बिल्कुल साफ हो जाए कि इनकम टैक्स एक्ट में हर सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। हकीकत जिसने भी लिखा है, जिन्होंने भी इसको बनाया है, तो सोच के बनाया है, तो चर्चा हुई है, उसके बाद लेजिस्लेशन में भी चर्चा हुई है, इसमें पब्लिक डोमेन में तमाम चर्चाएं होती हैं।
तो जब भी कोई एक्ट आता है, अगर उसमें गलती हो जाती है तो उसमें चर्चा होती है, बाद में वो अमेंड भी हो जाता है, तो धीरे धीरे परिष्कृत होता चला जाता है। आपको भी ये कोशिश करना है कि जहां तक हो सके एक्ट की लैंग्वेज को एक्ट से ही डायरेक्टली पढ़े और वहीं से ग्रहण करने की कोशिश करें, तो आप ये पाएंगे ज्यादातर केस में इवन केस लॉ भी समझने के लिए आपको एक्ट की नॉलेज होना जरूरी है। ये तो केस लॉ समझते हुए आप उसको एक्ट से अगर रिलेट नहीं कर पाएंगे तो केस लॉ भी आपको इंटरप्रेट नहीं हो पाएगी ठीक से कि आफ्टर ऑल कोर्ट कोई अगर बात कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं इस तरह से। कोर्ट भी चूंकि इनकम टैक्स एक्ट में जो बात लिखी जा रही है उसको समझाने की कोशिश करते हैं, वो कोई नई लॉ नहीं बनाते, वो अपना नया इंटरप्रिटेशन भी नहीं देते। अगर बिल्कुल क्लियर है एक्ट में कोई चीज तो उसमें अपना व्यू नहीं घुसाते हैं। अगर एक्ट का जो पर्पज है, एक्ट का जो लैंग्वेज है, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई दुविधा की बात नहीं है, तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। आप एक्ट की भाषा को आराम से पिकअप कर सकते हैं और इनफैक्ट आप इस हद तक भी जा सकते हैं कि आपने अगर एक्ट से कोई चीज पढ़ ली तो आप ये पाएंगे कि लॉ में जब भी किसी कोर्ट में भी उसका इंटरप्रिटेशन हो रहा है तो अगर आप उसको सही पकड़ रखा है तो आप पाएंगे कि बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन उन्होंने किया इसका, जो आपने भी समझ लिया है। तो जब वो स्थिति आपकी आ जाएगी क्योंकि तो आप जो जिस तरह से इस लैंग्वेज को देख रहे हैं उसी तरह से कोर्ट्स भी उस तरह से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो यानी कि आप कोर्ट की भाषा समझने समझना शुरू कर देंगे। चूंकि एक्ट की भाषा एक लीगल भाषा है तो ये नॉर्मल अंग्रेजी भाषा से अलग है और आपको इस लीगल भाषा को पकड़ना है। हमें बहुत ज्यादा लिटरेचर इसमें घुसाने की भी जरूरत नहीं होती है, इसलिए थोड़ा सा हमारा काम आसान भी होता है। ऐसा नहीं कि मुझे जब तक पूरी तरह से अंग्रेजी नहीं आती होगी तो मैं इसका यूज नहीं कर सकता। अगर मेरे पास अंग्रेजी की लिमिटेड नॉलेज भी है लेकिन मुझे इनकम टैक्स एक्ट की जो लीगल भाषा है वो मैंने पकड़ ली है तो बस मेरा काम हो जाता है। और ज्यादातर चीजें जो मैं ऑर्डर्स में लिखूंगा वो मैं यहीं से ग्रहण करता हूं कि इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा है या मेरे जो जजमेंट्स आ रहे हैं कोर्ट के वो किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो सब लीगल एक भाषा का प्रयोग करते हैं। बहुत इमेजिनेशन की फील्ड में नहीं जाते हैं, बहुत मेटाफर का इस्तेमाल नहीं करते हैं कि कोई चीज ऐसे कोई चीज रखी है तो उसको कह दिया तो फूल है, मतलब कोई इमेजिनेशन नहीं है, मतलब जो जैसी चीज है उसको वैसे ही कहना है लेकिन सही कहना है और उपयुक्त कहना है और प्रोपोर्शनेटली कहना है और रैशनल से कहना है और लॉजिक से कहना है। आई एम श्योर आप सब लोग इस बात को मानेंगे कि रैशनल लॉजिक ये हर मानव का एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। अगर आपको कोई इलॉजिकल बात कहना शुरू कर दे तुरंत आपका खटकने लगेगा दिमाग, ये क्या इलॉजिकल बात कर रहे हैं। तो लॉजिक और रीजन ये ह्यूमन स्पीशीज का एक इम्पॉर्टेंट, ह्यूमन थिंकिंग का एक इम्पॉर्टेंट अंग होता है और इसलिए लॉजिक और रीजन के साथ चलना इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैंने आपको एक व्यवस्था बताई, अब मैं सेक्शन 4 में जाके और अब ये बताता हूँ आपको प्रभार कैसे मिल रहा है, ये चार्ज, ये जो पावर है टैक्स को लेने की ये कहाँ से आ रही है। लॉजिकली अगर देखें तो पहले हमको चार्ज को ही समझना चाहिए और फिर हमको डेफिनेशंस में जाना चाहिए। तो 4.1 ये कहता है कि जब भी कोई सेंट्रल एक्ट ये इनैक्ट करता है कि इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए किसी रेट या रेटों पे, तो उस रेट पे या उन रेटों पे इनकम टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा उस वर्ष के लिए उन प्रावधानों के अनुसार जो इस एक्ट में लिखे हुए और उन प्रावधानों के अधीन ये चार्ज किया जाएगा और ये चार्ज किया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द टोटल इनकम, यानी इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा टोटल इनकम पे। किस टोटल इनकम पे? प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पे चार्ज किया जाएगा
और किस किस व्यक्ति पे चार्ज किया जाएगा, तो एवरी पर्सन। अब इस संदर्भ में पर्सन की डेफिनेशन हमको मिलती है सेक्शन 2 में, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन हमको मिलती है सेक्शन 3 में, टोटल इनकम की डेफिनेशन हमको कहाँ मिलती है, जैसे मैंने अभी कहा आपसे थोड़ी देर पहले, सेक्शन 5 में। तो यदि हमने वो डेफिनेशन पढ़ ली है तब हम समझ पाएंगे कि टोटल इनकम पे लगता है टैक्स और प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पे लगता है, और हर पर्सन के ऊपर, हर पर्सन के ऊपर लगता है। पर्सन की डेफिनेशन जो है वो भी दी हुई है कि उसका क्या फैलाव है पर्सन की डेफिनेशन। तो इनकम टैक्स उन रेटों पे चार्ज किया जाता है जो कि सेंट्रल एक्ट हमको बताते हैं ये रेट है इन पे चार्ज करिए, और ये सेंट्रल एक्ट और कोई नहीं है, फाइनेंस एक्ट है, क्योंकि फाइनेंस बिल हर साल जब पास हो जाता है तो उसका नाम हो जाता है फाइनेंस एक्ट, और वही वो सेंट्रल एक्ट है। सेंट्रल क्यों है, क्योंकि उसको सेंट्रल लेजिस्लेचर पास कर रहा है। तो उस एक्ट में क्या इनैक्ट किया जा रहा है, उसमें ये इनैक्ट किया जा रहा है कि इनकम टैक्स इन रेट पे या इन रेटों पे चार्ज किया जाएगा। तो जब सेंट्रल एक्ट हमको रेट बता देता है उसके बाद हम प्रभावित हो जाते हैं कि इस रेट पे टैक्स लेना है टोटल इनकम पे और प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पे हर पर्सन की। उसके बाद इसमें प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो का मतलब है एक शर्तिया क्लॉज, बशर्ते कि जब कभी ऐसा होता है कि इस एक्ट के प्रावधानों के वजह से इनकम टैक्स को हमको किसी और पीरियड के लिए चार्ज करना है जो कि प्रीवियस ईयर नहीं है, यानी इस एक्ट में अगर कहीं प्रावधानित कर दिया जाता है कि प्रीवियस ईयर के लिए नहीं चार्ज करना है, तो फिर किसी और पीरियड के लिए चार्ज भी करना है जो कि प्रीवियस ईयर में नहीं आता है, तब वो उस केस में जहाँ पे प्रावधानित किया जाएगा तब इनकम टैक्स उस तरह भी चार्ज हो सकता है, यानी कि वो प्रीवियस ईयर के अलावा भी किसी पीरियड के लिए चार्ज हो सकता है। तो ये प्रिविलेज दी गई है, प्रोविजन मतलब इसमें लेजिस्लेचर को दी गई है प्रिविलेज कि अगर कोई प्रावधान किया जाएगा तब वो प्रीवियस ईयर के अलावा भी हो सकता है, वैसे तो प्रीवियस ईयर पे ही लगेगा। Now, in respect of income chargeable under subsection 1, income tax shall be deducted. तो जो भी income chargeable हो रही है, chargeable का मतलब ये है कि जिसपे कि income tax चार्ज किया जा रहा है, तो उस income के respect में income tax जो है या तो source पे कटेगा, shall be deducted at source, या फिर वो advance tax के रूप में जमा किया जाएगा। Where it is so deductible or payable under any provision of this act. अगर इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार वो deductible है तो deduct किया जाएगा, या advance tax payable है उसके ऊपर तो advance tax pay किया जाएगा। तो जैसे जैसे income कमाई जाती है वैसे वैसे income tax जो है वो deduct किया जाता है या advance में पे भी किया जाता है अगर उसके प्रावधान अलग है, तो जो कि इनकम टैक्स एक्ट में प्रावधान है, टीडीएस का चैप्टर अलग है और एडवांस टैक्स का भी वहाँ पे चैप्टर का एक पार्ट है जिसमें कि एडवांस टैक्स के पेमेंट के प्रावधान है। तो ये हुआ बेसिस ऑफ चार्ज, कि आधार है ये टैक्स को चार्ज करने का, बेसिस मतलब आधार, चार्ज मतलब चार्ज करना, यानी टैक्स को, इनकम टैक्स को चार्ज करने का ये आधारभूत सेक्शन है सेक्शन 4। अब चूंकि इन्होंने यहाँ टोटल इनकम की बात की, तो टोटल इनकम की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 5 में, और जब हम वो डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां से अपने आप ही चीजें निकलेंगी, सेक्शन 6 की निकलेगी, सेक्शन 7 निकलेगा और सेक्शन 9 निकलेगा और सेक्शन 8 निकलेगा, क्योंकि 6, 7, 8, 9 निकल के आते हैं जब हम सेक्शन 5 पढ़ लेते हैं। तो अब हम इसके पहले कि मैं 2 पर जाऊं, मैं प्रीवियस ईयर की एक छोटी डेफिनेशन है उसको पहले कवर कर लेते हैं, इससे आपको एक साइकोलॉजिकल फीलिंग हो जाएगी कि हमने एक सेक्शन यहाँ पे कवर कर लिया है। तो मेरा स्क्रीन शायद आपको नजर आ रहा होगा जिसमें सेक्शन 3 लिखा हुआ है। जी सर। तो यहाँ पर
प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया है। प्रीवियस ईयर केवल एक चीज यहाँ डिफाइन किया रही, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब यह है कि वो फाइनेंशियल ईयर, वो वित्त वर्ष जो कि असेसमेंट ईयर से तुरंत पहले आता है, इमीजिएटली प्रीसीडिंग यानी तुरंत पहले। असेसमेंट प्रीवियस ईयर कहलाता है। तो जब हम प्रीवियस ईयर पर कह रहे हैं तो वो असेसमेंट ईयर से एक साल पहले का ईयर है। तो सवाल ये उठता है कि असेसमेंट ईयर क्या है। असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिसमें असेसमेंट होता है। तो जब इनकम कमा ली जाती है तो उसका असेसमेंट फिर कमाने के बाद होता है। कि किस बात का असेसमेंट होता है या किस बात का आकलन होता है कि भाई वो इनकम कितनी है, उसमें से टोटल इनकम कितनी है और उस पर कितना टैक्स आएगा। तो असेसमेंट की भी डेफिनेशन हम सेक्शन 2 में देखेंगे, असेसमेंट ईयर की। अब असेसमेंट ईयर से पहले का जो साल है वो है प्रीवियस ईयर। अब बशर्ते ये कि अगर कोई एसएससी का नया बिजनेस या नया प्रोफेशन सेटअप हुआ है या कोई नया इनकम का स्रोत एग्जिस्टेंस में आया है उस वित्त वर्ष में, तो ये जो नया बिजनेस सेटअप हुआ है ये कोई जरूरी तो है नहीं कि 1 अप्रैल से सेटअप हो जाएगा। बिजनेस तो 1 जून को, 3 जून को, 5 जून को कभी भी सेटअप नया बिजनेस सेटअप होता है या कोई नया इनकम का स्रोत एग्जिस्टेंस में आता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो जो प्रीवियस ईयर तब क्या होगा। तो हमने तो कहा कि प्रीवियस ईयर वो पूरा वित्त वर्ष है क्योंकि असेसमेंट ईयर से पहले आ रहा है। तो क्या पूरा वित्त वर्ष प्रीवियस ईयर हमेशा होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जहां पर बिजनेस सेटअप ही साल के शुरू में नहीं हुआ और बीच में कहीं सेटअप हो गया या इनकम का कोई नया स्रोत बीच में आ गया क्योंकि एग्जिस्टेंस में आया, और इसकी वजह से जो प्रीवियस ईयर है वो हमारा 1 अप्रैल से नहीं शुरू हो सकता क्योंकि उस वक्त बिजनेस ही नहीं था। तो इसलिए जिस तारीख में भी ये सेटअप हुआ है, बिगनिंग विद द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, या जिस तारीख को वो इनकम का स्रोत एग्जिस्टेंस में आया है, नया इनकम का स्रोत, तो उस तारीख से शुरू होगा प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के साथ वो खत्म होगा। तो खत्म होने की डेट तो वही है यानी 31 मार्च, लेकिन शुरू होने की जो डेट है वो तारीख है जब बिजनेस सेटअप होता है, अगर साल के बीच में वो सेटअप हो रहा है या इनकम का स्रोत जब एग्जिस्टेंस में आ रहा है। यह है छोटा सेक्शन 3, और आते हैं सेक्शन 2 पर। सेक्शन 2 हमारा बड़ा सेक्शन है। सेक्शन 9 तक हमको जाना है। सेक्शन 10 जो है वो इस बारे में बात करता है कि कौन सी इनकम ऐसी होती है जो कि टोटल इनकम में शामिल ही नहीं होती। तो ऐसी भी कई बार हमें आय मिलेगी, मिल सकती है, जो कि हम टोटल इनकम में शामिल नहीं करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई ऐसी आय है जो कि टोटल इनकम में हम शामिल नहीं कर रहे, तो टैक्स चूंकि टोटल इनकम पे ही लगता है तो इसलिए उन सभी आयों पे टैक्स नहीं लगेगा जो टोटल इनकम में हमने शामिल ही नहीं करी है। कुछ ऐसे भी आय हो सकती है जो टोटल इनकम में शामिल कर लें हम और उसके बाद उस पर छूट दे दें, या डिडक्शन के रूप में दे दें, या रिबेट के रूप में दे दें, या कोई एक्सपेंसेस के रूप में दे दें। तो टोटल इनकम में शामिल होने के बाद भी छूट मिल जाती है कई चीजों पे, कई इनकम्स पे, और कई ऐसी इनकम है जो कि टोटल इनकम में शामिल ही नहीं होती तो इसलिए छूट मिली ही मिली होती है उसमें। तो डेफिनेशन में एडवांस टैक्स की जो डेफिनेशन है उसके बारे में लिखा हुआ है कि एडवांस टैक्स की डेफिनेशन वो है जो कि चैप्टर 17C के प्रावधानों में लिखी हुई है। तो कभी कभी ऐसा भी है कि अगर हमने कोई चीज एक्ट के अंदर डिफाइन कर रखी है तो उसका बस हम यहाँ पे एक रेफरेंस दे देते हैं कि हाँ इसको इसके बारे में जानना है कि एडवांस टैक्स क्या चीज है या उसकी डेफिनेशन क्या है, तो जाके आप चैप्टर 17C में पढ़ लीजिए उसको। इसी तरह से और भी शब्द बीच में आएंगे,
क्योंकि एक बार एक चीज अपने एक्ट में एक जगह लिख दी तो फिर बार बार उसको अलग अलग जगह पे लिखने का भी कोई मतलब नहीं है, रिपीट करने का, तो इसलिए उसको यहाँ पे रेफर कर देते हैं। अब आते हैं अगली परिभाषा पे जो है एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम बाद में आप देखेंगे सेक्शन 10 में उसको एग्जम भी किया हुआ है कि इसको टोटल इनकम में शामिल नहीं करना है, लेकिन जब हमको ये समझना होता है कि कौन सी चीज ऐसी है जो शामिल नहीं करनी है तो कम से कम उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो एग्रीकल्चर इनकम है क्या। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम में ए बी और सी तीन पार्ट आ रहे हैं। इसमें ए है, फिर बी है और फिर सी है, और सी में प्रोविजो है, और उसके बाद यहाँ पे चार एक्सप्लेनेशंस भी है। तो कुल मिला के एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन थोड़ी विस्तृत है और उसमें एक्सप्लेनेशन भी है, प्रोविजो भी है। तो प्रोविजो एक लॉजिकल चीज होती है कि जब हमने इसे कुछ एक्ट बनाया तो एक लैंग्वेज लिखी हमने कि ये चीज ये है, लेकिन उसमें जो कंडीशंस होती हैं, शर्तें, वो प्रोविजो के रूप में ऐड कर देते हैं। कभी कभी शर्तों को हम एक्सप्लेनेशन के रूप में भी ऐड करते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन जनरली हम वहां देते हैं जहां पे किसी चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अगर मीनिंग बहुत ज्यादा लगता है कि क्लैरिटी नहीं आएगी तो उसको एक्सप्लेन करके क्लियर कर दिया जाए। तो कभी कभी एक्सप्लेनेशन हम किसी चीज का तब देते हैं जो कि किसी पुरानी चीज का भी देते हैं, जैसे अगर कोई डिफिकल्टी आ गई किसी चीज को इंटरप्रेट करने में तो वो एक्सप्लेनेशन के रूप में हम डाल देते हैं एक्ट। तो आते हैं हम लोग कि एग्रीकल्चर इनकम के तीन पार्ट्स क्या है, ए बी और सी। सबसे पहला पार्ट है कि कोई भी रेंट या रेवेन्यू जो लैंड से डिराइव हो रहा है, ऐसा लैंड जो कि इंडिया में सिचुएटेड है और जिसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए हो रहा है। तो इसमें जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि लैंड ऐसा होना चाहिए जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो, और इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए यानी कि इंडिया की टेरिटरी में होना चाहिए वो, और उसमें से उस लैंड से जो भी रेंट या रेवेन्यू डिराइव हो रहा है। तो रेंट और रेवेन्यू का नेचर क्या है? रेवेन्यू नेचर इनकम जो आ रही है चीज हमारे पास और साल दर साल आती है। जैसे आपने देखा होगा दो शब्दों के बीच में डिफरेंशिएट किया था, कैपिटल और रेवेन्यू। तो कैपिटल वो चीज होती है जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है या एंड्योरिंग बेनिफिट देती है। रेवेन्यू वो चीज होती है जो जो समय समय पे आती रहती है या जाती रहती है, जो भी है। तो आप रेवेन्यू वो इनकम है जो आपके पास लगातार आ रही है। रेंट वो इनकम है जब हम किसी एसेट को किराए पे चढ़ा के उसका रेंट लेते हैं, जैसे लैंड हमारा एसेट है या खेत हमारा एसेट है। अगर हम उसको किराए पे दे देंगे और किराया मिलेगा हमको तो वो हमारा रेंट हुआ। तो अगर कोई जमीन है जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रही है, उससे अगर मैं रेंट डिराइव कर रहा हूं या रेवेन्यू डिराइव कर रहा हूं तो वो मेरा एग्रीकल्चर इनकम। इसके बाद आता है बी, कोई भी इनकम जो लैंड से डिराइव हो रही हो, एनी इनकम विच इज डिराइव फ्रॉम द लैंड। कैसे डिराइव हो रही हो? आइदर बाय एग्रीकल्चर। अब यहां पे क्या है कि रेंट और रेवेन्यू के अलावा भी इस इन डेफिनेशन को और विस्तृत बनाने के लिए एनी इनकम, एनी शब्द पे जोर है, कोई भी तरह की आय जो कि लैंड से डिराइव हो रही हो एग्रीकल्चर करके और या कोई जो भी कल्टीवेटर है या जिसको रेंट इन काइंड मिल रहा है,
तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि रेंट काइंड में भी मिल सकता है। वो जो कल्टीवेटर है या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड है, वो अगर कोई ऐसा प्रोसेस अपनाता है जो साधारणतया से कोई भी कल्टीवेटर अपनाएगा, यानी प्रोसेस ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, क्यों प्रक्रिया अपनाता है, क्यों प्रोसेस अपनाता है वो, जिससे जो भी प्रोड्यूस था लैंड से, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी, जो रेज की गई है या रेंट इन काइंड के रूप में उसके द्वारा रिसीव की गई है, उसको मार्केट में तक ले जाने के लिए फिट कर दिया जाए। यानी अगर कोई ऐसी प्रक्रिया वो अपनाता है जिससे कि मार्केट तक उस प्रोड्यूस को ले जाने के लिए वो प्रोड्यूस फिट हो जाए, जैसे कि आपने जब फसल हुई तो आप फसल को में बहुत सारे प्रोसेसेस कर सकते हैं कि जैसे उसको आपने उसमें से बीज को अलग किया, धान अलग किया, और कटाई छटाई ये सब काम होता है, और उसके बाद छानना वानना जो भी है। बेसिकली क्या है कि आप ऐसी स्थिति में ला रहे हैं उस फसल को जिससे आप उसको फिर मार्केट में ले जाके बेच सकते हैं। तो उस प्रक्रिया से भी अगर आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं, ऐसा प्रोसेस करते हैं, और उस प्रोसेस से आपको अगर इनकम डिराइव हो जाती है, तो वो भी एक एग्रीकल्चर इनकम है। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए कि यदि मेरे पास एक खेत है, तो मेरे पास एक चारा रहता है कि या तो मैं खेत पे खुद खाद डालूं, खुद उसमें बुआई वगैरह करूं, और जब फसल बन जाए तो काट लूं उसको, काटने के बाद उसमें वो सारे प्रोसेसेस मैं करूं, क्योंकि तो मैं कल्टीवेटर हूं तो मैं वो सारे प्रोसेसेस करूं जो कि कोई भी कल्टीवेटर करेगा उसको मार्केट पे ले आने के लिए। मैं कटाई करूं, छटाई करूं, अलग करूं, सफाई करूं, जो भी है उसको अलग करके, और मेरे को जो बेचने वाली फसल है वो अलग हो जाए मेरी, तो फिर मैं उसको बेच सकता हूँ। तो ये जो जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ उस फसल के ऊपर, उसका करने के बाद मैं मार्केट में ले आके उसको बेचूंगा, तो जो भी इनकम मेरी होगी वो मेरी टैक्स फ्री है, क्योंकि वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम है। दूसरा है कि मान लीजिए कि मैं रेंट को काइंड में लेता हूं, और काइंड में यानी कि किसी ने मुझे किसी को मैंने अपने खेत पे कहा कि आप जो है इसमें बुआई कटाई का सारा काम करिए, और इतना इतना जितना भी पैदावार हो उसका इतना हिस्सा मुझे दे दीजिएगा। तो यानी कि मैं उसको उसमें एक फसल का एक हिस्सा ले रहा हूँ, यानी कि मैं रेंट को काइंड में ले रहा हूँ, कैश में नहीं ले रहा। तो ऐसे कंडीशन में अगर मैं रिसीवर हूँ रेंट इन काइंड का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑब्वियसली उसमें कोई प्रोसेस करना पड़ेगा जिससे मैं मार्केट ले आ सकूँ उसको। मुझे 1/6 हिस्सा मिल गया, मुझे 1/5 हिस्सा मिल गया, मुझे मार्केट ले जाना है उसको, मार्केट ले आने के लिए कटाई छटाई वगैरह मुझे सब करना पड़ेगा उसमें। तो जब मैं वो करूंगा और फिर वो करके फिर मैं मार्केट में लेके जाऊंगा उसको, और मैं उसको फिर बेचूंगा, तो जो भी मुझे इनकम होगी वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम है। अब तीसरा पॉइंट जो है इसमें यहाँ पे, अच्छा इसी पॉइंट नंबर 2 के साथ जुड़ा हुआ एक और भी पॉइंट है कि मान लीजिए कि मैं अपने खेत में कल्टीवेटर हूं, और मैंने किसी को कहा कि भैया आप मेरा ये कटाई छटाई का काम कर दो, मैं तुमको पैसे दे दूंगा। तो कटाई छटाई अलग करना और सफाई जो है, तो वो सारा काम मैंने किसी और को दे दिया, उसने कर दिया, उसको मैं जो पैसे दे रहा हूं वो उसकी एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि यहाँ ये पॉइंट नंबर 2 में आता है कि कोई भी प्रोसेस अगर कोई अपनाता है कि जिससे कि मार्केट में चला जाए प्रोड्यूस, बिकने के लिए तैयार हो जाए, फिट हो जाए, उससे अगर कोई भी इनकम डिराइव होती है, तो वो जो इनकम है दैट इज ऑल्सो एग्रीकल्चर इनकम, बिकॉज वो इनकम भी लैंड से डिराइव हो रही है। जैसे क्यों लैंड से डिराइव हो रही है, क्योंकि लैंड से वो फसल निकली है,
और फिर उस फसल को की वो सफाई हो रही है, वो काम जो हो रहा है उसमें जो पैसा उस व्यक्ति को मिल रहा है वो उस व्यक्ति की एग्रीकल्चर इनकम है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर कोई कल्टीवेटर है या रिसीवर है रेंट इन काइंड का, ठीक है, जो भी प्रोड्यूस उसके द्वारा रेज किया गया था, यानी कल्टीवेटर प्रोड्यूस को रेज करेगा और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड जो है वो रिसीव कर रहा है रेंट इन काइंड, और जिसके रिस्पेक्ट में कोई भी प्रोसेस उसने परफॉर्म नहीं किया अदर देन ए प्रोसेस ऑफ द नेचर डिस्क्राइब्ड इन पैरा टू, तो वही कल्टीवेटर है जो कि ये प्रोसेस करता है और ये प्रोसेस करके मार्केट में बेच देता है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो वो अगर वो इस प्रोसेस को करके और मार्केट में बेच देता है जिससे कि मार्केट में ले जाने के लिए फिट हो जाती है प्रोड्यूस, और उसके बाद वो मार्केट में बेच देता है, तो सेल से जो भी इसको इनकम आ रही है वो भी उसकी एग्रीकल्चर इनकम है। तो इस तरह से ये जो भी इनकम लैंड से डिराइव हो रही है उसको लिखा गया है बी में, और जो रेंट या रेवेन्यू डिराइव हो रहा है लैंड से उसको ए में लिखा गया है, और जो इनकम बिल्डिंग से डिराइव हो रही है वो सी में लिखी हुई है। तो ए बी और सी में फर्क क्या है कि ए है जो रेंट या रेवेन्यू डिराइव हो रहा है लैंड से, बी है जहां पे एग्रीकल्चर करके या जो प्रोसेसेस करके जो डिराइव हो रही है इनकम, कोई भी इनकम डिराइव हो रही है वो है, और सी में बिल्डिंग से डिराइव हो रही है इनकम। तो सी में क्या है कि कोई भी इनकम जो कि किसी बिल्डिंग से डिराइव होती है उस बिल्डिंग का ओनर या ऑक्यूपायर जो है वो रिसीवर है रेंट का या रिसीवर है रेवेन्यू का किसी लैंड के, वो जो भी रिसीवर है रेवेन्यू का या रेंट का या जो बिल्डिंग ऐसी है जिसको कि किसी कल्टीवेटर ने ऑक्यूपाई कर रखा है या उसको किसी रेंट इन काइंड के रिसीवर ने ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसके रिस्पेक्ट में या जिसकी प्रोड्यूस जो है इसमें ये प्रोसेस कराया गया है जो कि पैरा टू में मेंशन्ड है और पैरा थ्री में भी मेंशन्ड है सब क्लॉज बी के। तो अगर कोई भी प्रोसेस जो यहां में मेंशन्ड है कि जिस प्रोसेस से उसकी जो प्रोड्यूस है वो मार्केट में ले जाने के लिए फिट हो जाती है, इसमें मार्केट में ले जाने के लिए फिट हो जाती है, तो इसमें अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इंडस्ट्री लगा देता है इसमें कि वो उसकी पर्सनल पैकेजिंग वगैरह शुरू कर देता है, जैसे उसको भर भर के थैलियों में और उसके बाद उसको वो बेच रहा है मान लीजिए, तो वो जो है वो इसके दायरे से बाहर हो जाता है, फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। देखिए जैसे ही आपने ग्रेन वगैरह अगर हुआ वो फिट हो गया मार्केट, उसके बाद उसमें फर्दर आप डेकोरेशन करेंगे तो वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा। जैसे आपने ग्रेन की पॉलिशिंग की फैक्ट्री लगा रखी है वो नहीं आएगा, जैसे ही फिट हो गई मार्केट में ले आने के लिए, अब आपका प्रोड्यूस मार्केट में ले आने के लिए फिट है तो उतना प्रोसेस जो है केवल एग्रीकल्चर इनकम में आता है, उसके बियॉन्ड आप कुछ भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आप जूस निकाल लीजिए, आप दुनिया भर के चीजें बन जाती हैं, पल्प बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट दैट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। बेसिकली आप केवल उसको फिट करने के लिए प्रोड्यूस को मार्केट में ले जाने के लिए जो भी प्रक्रिया करते हैं जो आज साधारण रूप से किया जाता है ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, कोई स्पेशल प्रक्रिया नहीं, तो उसी के तहत जो प्रक्रिया होती है उससे जो इनकम जनरेट होती है वही एग्रीकल्चर इनकम है। ऐसे ही सी में जो है अगर बिल्डिंग का ओनर और ऑक्यूपायर रेंट का रिसीवर है या रेवेन्यू का रिसीवर है किसी भी लैंड का के लिए, जो रिसीवर ऑफ रेंट है और रेवेन्यू ऑफ एनी सच लैंड, या उसको हम कोई ऑक्यूपायर है कल्टीवेटर उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, या कोई
रेंट इन काइंड का रिसीवर ने उसको ऑक्यूपाई किया हुआ उस लैंड को, और उसकी वजह से कोई इनकम डिराइव कर रहा है, ऑफ एनी लैंड विथ रिस्पेक्ट टू विच, और जिसमें कोई वो प्रक्रिया हो रही है। तो यहां पर क्या है कि बिल्डिंग से, बिल्डिंग भी उस लैंड पे है, बिल्डिंग शुड बी लिंक्ड टू द आइदर टू द प्रोसेस जो किया जा रहा है टू मेक द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट, या वो बिल्डिंग उस व्यक्ति के द्वारा ऑक्यूपाई की जाएगी जो ये काम कर रहा है एग्रीकल्चर ऑपरेशन मालिक, कोई घर बना रखा है उसने तो घर को ऑक्यूपाई कर रहा है, या घर का एक पोर्शन जो है उसने कोई वर्कर बुलाए हुए हैं काम करने के लिए खेतों में, उन्हों वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनसे वो किराया ले रहा है तो उससे उसको इनकम हो रही है। लेकिन उन वर्कर्स को इस बात के लिए बुलाया गया हो कि वो ऐसी प्रक्रिया कर रहे हो जो कि प्रोड्यूस को मार्केट में ले आने के लिए फिट करने वाली प्रक्रिया हो रही हो, तो ऐसे कंडीशन में वो भी एग्रीकल्चर इनकम के तहत आ जाएगा। अब यहाँ पे बशर्ते करके देर आर सम प्रोविजोस। अब पहला प्रोविजो ये कहता है कि बिल्डिंग जो है जिसकी बात हो रही है सी में, यहाँ पे वो लैंड के इमीडिएट विसिनिटी में होनी चाहिए या उस लैंड के ऊपर ही होनी चाहिए, तो या तो लैंड से एकदम तुरंत बगल में होनी चाहिए। इमीडिएट विसिनिटी का मतलब है एकदम लैंड से लगी हुई हो, या फिर उस लैंड के ऊपर ही हो, और वो ऐसी बिल्डिंग हो जो कि रेंट के रेवेन्यू के रिसीवर ने या उस कल्टीवेटर ने या फिर रेंट इन काइंड के रिसीवर ने अपने उस लैंड के कनेक्शन के कारण से ऑक्यूपाई कर रखी हो, कि उसको उसको रहने के लिए चाहिए वो, या स्टोर के लिए चाहिए, या उसी से रिलेटेड आउट बिल्डिंग के रूप में चाहिए, यानी कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है उसको करने के टाइम उसको रहने की जगह चाहिए, या जो भी धान वान कट रहा है उसको स्टोर करने की जगह चाहिए, या दूसरी आउट बिल्डिंग का मतलब है जो ऐसी बिल्डिंग जो कि जस्ट बाहर लगी हो खेत से, जस्ट अटैच हो, मे बी इट कुड बी टॉयलेट ऑल्सो। तो जो भी बिल्डिंग है जो आउट बिल्डिंग का मतलब है कि लैंड से जस्ट बाहर है, इमीडिएट विसिनिटी में है, या फिर लैंड के ऊपर है, और यदि उसका या वो स्टोर हाउस के रूप में या फिर ड्वेलिंग हाउस के रूप में है, या कोई भी और इस्तेमाल उसका उस प्रक्रिया के संबंध में हो रहा है जो एग्रीकल्चर की प्रक्रिया हो रही है, और इसी वजह से वो जस्ट आउटसाइड लैंड है, तो ये कंडीशन जरूरी है कि बिल्डिंग इस तरह की होनी चाहिए, किसी और पर्पज के लिए वो यूज ना हो रही हो बिल्डिंग। कि आपने माने खेत में आपने घर बना रखा है, उसमें आपने ऐसे लोगों को किराए पे दे रखा है जो ट्रैवलर्स हैं, वो आते हैं, सराय बना रखी है, लोग आते हैं, रहते हैं, चले आते हैं, तो उससे आपको जो इनकम होगी वो कोई एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, क्योंकि ये उन लोगों के लिए ड्वेलिंग हाउस होना चाहिए जो कि वहां पे रेंट इन काइंड का रिसीवर है, या वो कल्टिवेटर है, या रेंट या रेवेन्यू का रिसीवर है, उन लोगों के लिए होना चाहिए, या धान को स्टोर के लिए करने के लिए होना चाहिए, यानी एग्रीकल्चर से उसका इंटीमेट लिंक होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो शर्त है यहाँ पे वो ये है कि जी जी बोलिए बोलिए मुझे लगता है कि मैंने हैंड रेज कुछ देखा नहीं है, तो लेट मी चेक, अगर बीच में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर दीजिए तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने हैंड रेज किया है, दैट विल मेक इट इजी फॉर मी। ओके वी मूव अहेड। तो अब हम आते हैं अगले प्रोविजो पे। हम लोग प्रोविजो देख रहे हैं, पहला प्रोविजो हमने देख लिया, उसके बाद अब दूसरा प्रोविजो है कि या तो लैंड जो है वो, या तो वो लैंड रेवेन्यू पे इंडिया में असेस हो रहा हो, यानी कि उस पे लैंड रेवेन्यू लिया जाता हो,
या किसी लोकल रेट के तहत वो सब्जेक्ट हो जो कि सरकार के ऑफिसर्स कलेक्ट कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा है ना, जैसे वो थोड़ा म्यूनिसपैलिटी के आसपास आ गया तो वहां पर कोई लोकल रेट उस पर लग रहा है लैंड पे, तो कभी कभी ऐसा होता कि या तो लैंड रेवेन्यू उस पर दे रहे हैं आप, या ये जो लैंड रेवेन्यू है इस रेवेन्यू का मतलब उस रेवेन्यू से नहीं है जो ऊपर शब्द रेवेन्यू आया है। यहाँ जो है लैंड पे जो भी टैक्स दिया जाता है, जैसे पहले क्या होता था कि ब्रिटिशर्स लोग लैंड से ही टैक्स लेते थे, तो उस तरह से लैंड से अगर कोई रेवेन्यू के लिए अगर वो लैंड असेस किया जाता है तो या तो वैसा हो या फिर वो किसी लोकल रेट के तहत आता हो, सब्जेक्ट टू ए लोकल रेट जो कि सरकार के ऑफिसर्स से कलेक्ट कर रहे हैं एज सच, या और वेयर द लैंड इज नॉट सो असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू और सब्जेक्ट टू लोकल रेट, अगर वो लैंड ऐसा है जो कि लोकल रेट पे भी नहीं है और लैंड रेवेन्यू पे भी असेस्ड नहीं होता, तो उसके बारे में थोड़ी सी लिमिट्स हैं कि वो इन लिमिट्स में सिचुएटेड नहीं होना चाहिए। तो अगर वो इन लिमिट्स में सिचुएटेड होगा तो वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जाएगा, या उससे जो इनकम हो रही है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। तो कौन सी लिमिट्स है जिसमें वो सिचुएटेड नहीं होना चाहिए? तो सबसे पहले ये है, यानी कि कोई ऐसा एरिया जो कि किसी म्यूनिसपैलिटी के ज्यूरिसडिक्शन में आता हो, विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ए म्यूनिसपैलिटी, चाहे उसका नाम म्यूनिसपैलिटी हो, चाहे उसका नाम म्यूनिसपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे नोटिफाइड एरिया कमेटी नाम हो, चाहे टाउन एरिया कमेटी नाम हो, या उसका नाम टाउन कमेटी हो, या कोई भी और नाम हो जिससे वो बुलाया जाए, तो यदि वो लैंड किसी म्यूनिसपैलिटी के ज्यूरिसडिक्शन में आता है या किसी कैंटोनमेंट बोर्ड के ज्यूरिसडिक्शन में आता है, कैंटोनमेंट बोर्ड नॉर्मली आर्मी वगैरह के लिए होते हैं जो कि उनका बोर्ड रहता है वो उसको उसका प्रशासन का काम देखता है कैंटोनमेंट एरिया का, जिसे कैंट भी हम बोलते हैं शॉर्ट में, CANTT। तो अगर कोई कैंटोनमेंट बोर्ड है और जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम नहीं है, यानी कि या तो उसकी पॉपुलेशन 10,000 है या उससे ज़्यादा है, तो अगर उसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज़्यादा है और म्यूनिसपैलिटी के ज्यूरिसडिक्शन में आता है तो वो वहां पे सिचुएटेड नहीं होना चाहिए लैंड। एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि जो शहर में आ गया वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, और इसीलिए हमने पॉपुलेशन को भी निर्धारित कर रखा है। या फिर वो किसी भी और एरिया में हो जो म्यूनिसपैलिटी का नहीं भी अगर एरिया है, इन एनी एरिया विद इन द डिस्टेंस मेजर्ड एरियली, डिस्टेंस को हवा में नापा जाएगा, यानी कि बीच में कोई व्यवधान जहां पे नहीं होता है उस तरह से सीध एक सीध में नापा जाएगा, यानी एक सीध में नापा हुआ डिस्टेंस जो है वो एक सर्टन डिस्टेंस के अंदर है, अगर वो लैंड उसकी बात हो रही है कि अगर उसका डिस्टेंस को मेजर किया जाए तो वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, नॉट बीइंग मोर देन 2 किलोमीटर्स म्यूनिसपैलिटी की लोकल लिमिट से या कैंटोनमेंट बोर्ड की लोकल लिमिट से, और जिसकी की पॉपुलेशन जो है 10,000 से तो ज्यादा है लेकिन 1 लाख से कम है। तो हमने सबसे पहले ये कहा कि जहां पर अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है और म्यूनिसपैलिटी में आता है तो वो लैंड जो है वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं हो। अब यहां पे हम ये कह रहे हैं कि जो म्यूनिसपैलिटी में नहीं भी आता, ठीक है, लेकिन वो म्यूनिसपैलिटी के लिमिट से 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, यानी म्यूनिसपैलिटी के लिमिट्स के 2 किलोमीटर के अंदर है अगर, और जिसकी की पॉपुलेशन 10,000 से तो ज्यादा है लेकिन 1 लाख से कम है, ठीक है, यानी कि वो ऐसा लैंड एरिया है जो कि म्यूनिसपैलिटी के अंदर तो नहीं आता। अगर म्यूनिसपैलिटी के अंदर आता होता तो हमें ये देखना होता कि उसकी पॉपुलेशन कितनी है,
अगर वो म्यूनिसपैलिटी के अंदर आता तो हम देखते हैं कि इसकी पॉपुलेशन कितनी है। अगर हम देखते हैं कि उसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है, भले ही म्यूनिसपैलिटी में आ रहा है, तो उसको हम एग्रीकल्चर लैंड मान लेंगे। लेकिन अगर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और म्यूनिसपैलिटी में भी है और 10,000 या उससे ज़्यादा की पॉपुलेशन है, तो हम उसको एग्रीकल्चर लैंड नहीं माने। बेसिकली अर्बन लैंड को हम एग्रीकल्चर लैंड नहीं मान रहे हैं। इसी तरह से वो डेफिनेशन आगे बढ़ाई जा रही है कि वो अगर म्यूनिसपैलिटी से 2 किलोमीटर के अंदर है और उसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, तो भी उसको एग्रीकल्चर इनकम आप मान सकते हैं, उसे एग्रीकल्चर लैंड मान सकते हैं। उसी तरह से अगर उसकी पॉपुलेशन 6 किलोमीटर से अंदर है, यानी 2 से 6 किलोमीटर के बीच में है, तो उसकी अगर पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, तो भी आप उसको एग्रीकल्चर इनकम मान, एग्रीकल्चर लैंड मान लेंगे। यहाँ देखिए 10 लाख लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई लैंड 8 किलोमीटर से अंदर है और उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, ठीक है, तो उस केस में भी, क्योंकि पॉपुलेशन उसकी 10 लाख से कम है, तो उसको हम एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे, यानी 6 से 8 के बीच वाला। और अगर इससे ये बात भी निकल के आती है, अगर कोई लैंड 8 किलोमीटर से पार है लोकल लिमिट्स के, म्यूनिसपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के, तो वो तो चाहे वो कितनी भी उसकी पॉपुलेशन हो, वो एग्रीकल्चर लैंड ही माना जाएगा। तो ये हो गया हमारे जो लिमिट्स दिए हुए हैं। अब आते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन जो दिए हुए हैं फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स। अब आप देख रहे हैं शब्द जो यूज किया है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स। जब भी यहाँ शब्द यूज किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, इसका मतलब है कि आपके संशय हटाए जा रहे हैं। आप जो संशय हटाते हैं, इसका मतलब संशय हो सकता है अभी पैदा हुए, हो सकता है पहले पैदा हुए हों, तो संशय हटाए जाएंगे। संशय जब हटाए जाते हैं तो इसको कहते हैं कि ऐसा प्रोविजन है जो कि क्लैरिफिकेटरी प्रोविजन है। क्लैरिफिकेटरी यानी चीजों को क्लियर किया जा रहा है यहाँ पे। और चूंकि ये एक क्लैरिफिकेटरी प्रोविजन है, यहाँ चीजों को क्लियर किया जा रहा है, तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि पीछे के सालों में भी उसका असर होगा। भले मैं एक्सप्लेनेशन आज की तारीख में डाल रहा हूँ एक्ट में, जैसे कहा जाता है ना कि किसी भी वक्त वो लॉ लागू होती है जो उस वक्त लागू है, वही लॉ मानी जाती है। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन वाले सेक्शंस वो होते हैं जो कि पीछे भी लागू हो जाएंगे, यानी जिस वक्त की बात हो रही है उस वक्त वो लॉ नहीं थी, वो लॉ बनाएगी बाद में, लेकिन वो क्लैरिफिकेटरी लॉ है, वो कोई नई लॉ नहीं बनाई जा रही है, केवल पुरानी चीज को क्लियर किया जा रहा है, केवल पुराने डाउट्स हटाए जा रहे हैं। तो इसलिए वो एक इंटरप्रेटेटिव एक्सप्लेनेशन है, तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन होता है। तो जहां भी आपको शब्द ऐसे दिखाई पड़ते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, इट मींस दैट देयर इज बाउंड टू बी रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द एक्सप्लेनेशन एंड इट इज क्लैरिफिकेटरी इन नेचर। तो पहला एक्सप्लेनेशन क्या बोलते हैं? देखिए, आपको एक यू हैव टू बी अ साइंटिस्ट इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यू आर सपोज टू बी अ जूरिस्ट इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यू आर सपोज टू बी अ साइंटिस्ट इन टर्म्स ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो आपको जूरिस्ट होना है, आपको साइंटिस्ट होना है, और आपको जो है एक्चुअल कुक भी होना, यानी खिचड़ी पकानी भी आपको है, उसकी साइंस भी आपको आनी चाहिए, उसकी साइकोलॉजी भी आपको आनी चाहिए। तो आपको उसके अंदर घुसना है, बिना अंदर घुसे हुए उसकी विश्वसनीयता आपके अंदर, उसमें उसके संबंध में विश्वसनीयता नहीं आ पाएगी। तो इसलिए यू हैव टू गो डीप इनटू इट, जो कि कहते हैं ना योग सूत्र में कहा जाता है ध्यान। और जिस चीज पे आप ध्यान लगा देंगे तो वो चीज का सत्य खुल जाता है आपके समक्ष। तो वो अप्रोच चाहिए आप इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ते वक्त। इनकम टैक्स को पढ़ते वक्त खाली ये कहानी वाली अप्रोच नहीं चाहिए कि एक राजा था, एक रानी थी, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और इसमें ये जोड़ दो, ये घटा दो, ये होता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट ए कंप्यूटेशन ओनली,
इनकम टैक्स एक्ट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंटिटी, सो उसको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में समझना है, जो भी जितना भी कॉम्प्लेक्स वो है उसके सारे आयामों को आपको पकड़ना है, यू हैव टू कैप्चर ऑल द डायमेंशंस. सो इट शुड नॉट बी रेड एज अ स्टोरी और ए स्टोरी बुक, इट शुड इट हैज टू बी रेड विद अ लॉट ऑफ प्रिसिशन, विद अ लॉट ऑफ एक्यूरेसी, विद अ लॉट ऑफ स्पेसिफिसिटी, with a mind to interpret correctly the exact meaning of what is given there. Okay, to doubts ko remove karne ke liye explanation 1 ye keh raha hai ki it is hereby declared that revenue derived from land shall not include and shall be deemed never to have included any income arising from the transfer of any land jiska reference a or b में आया है सब क्लॉज 3 के क्लॉज 14 के. तो यहां पे बात की जा रही है, नीचे अगर आप क्लॉज 14 पे आएंगे तो वहां पर जब भी कोई लैंड बिकता है तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है. शॉर्ट टर्म यानी कम अवधि का, यानी आपने एक लैंड लिया और जल्दी बेच दिया, ज्यादा समय नहीं लगा है तो कम अवधि का एक गेन होगा आपका. और अगर आपने लैंड बहुत ज्यादा टाइम तक अपने पास रखा तो लंबे अवधि का गेन होगा, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं. तो जब कोई लैंड बिकता है तो या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है या आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है. तो यहां पर क्लैरिफाई किया जा रहा है कि जब हम कहते हैं कि रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड जो कि टैक्स फ्री होगा, तो उसमें हम उस रेवेन्यू की बात नहीं कर रहे जहां पे हम सेक्शन क्लॉज 14 के जो सब क्लॉज 3 है उसके तहत आइटम ए और बी की बात कर रहे हैं कि जहां पे हमको टैक्स देना होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल के पर, तो उसको यहाँ की परिधि से बाहर रखा जा रहा है जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे. और सेक्शन 214 यानी सेक्शन 2 और क्लॉज 14 और यहाँ पर जो सेक्शन 1 हम पढ़ रहे हैं इसके बीच में 1A जो हम पढ़ रहे हैं उसके बीच में कोई आपस में कोई कॉन्ट्रावर्सी ना हो, कोई मतभेद ना हो और क्लैरिटी रहे. तो इस क्लैरिटी को लाने के लिए हम ये कह रहे हैं कि हम हमेशा यही सोच रहे थे डीम नेवर टू हैव इंक्लूडेड, कि हमने कभी भी ये नहीं माना कि उसमें वो इंक्लूडेड है. यानी शुरू से जब से सेक्शन आए हैं 14 आया है तब से और अभी तक अगर कभी देखें तो हमने कभी ये माना नहीं है, हमने ये कभी नहीं कहा कि 14 में जिस चीज़ को हम 14 के 3A और B में जिस चीज़ को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्स कर रहे हैं वो हमारी यहाँ पे टैक्स फ्री हो जाएगी. वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ये यहाँ पे डाउट्स रिमूव किए जा रहे हैं. उसके बाद है एक्सप्लेनेशन 2. एक्सप्लेनेशन 2 में अगेन फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट इनकम which is derived from any building or land which is referred to in subclause C, arising from the use of such building or land for any purpose, including letting for residential purpose or for the purpose of any business or profession other than agriculture, falling under subclause A or subclause B, shall not be agricultural income. यहाँ पे remove doubts, वैसे तो ऊपर काफी clarity से कहा गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर doubt को remove करते हुए भी ये कहा जा रहा है कि अगर इनकम ऐसे या बिल्डिंग या लैंड से डिराइव होती है, ठीक है, ऐसे बिल्डिंग या लैंड से किसी भी बिल्डिंग या लैंड से डिराइव होती है जिसका रेफरेंस हमने ऊपर सब क्लॉज सी में कर रखा है. तो आपने देखा था ए बी सी में जो सी था उसमें बिल्डिंग या लैंड से इनकम आ रही थी, तो खासतौर पर बिल्डिंग से आ रही थी. और जो भी इनकम किसी भी बिल्डिंग या लैंड से डिराइव हो रही है जो कि सब सी में रेफर्ड है और वो इसलिए डिराइव हो रही है क्योंकि उस बिल्डिंग का इस्तेमाल या उस लैंड का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि एग्रीकल्चर का यूज नहीं है इसका. और नॉन एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए अगर वो बिल्डिंग या लैंड यूज किया जाता है जिसमें कि किसी को रेजिडेंशियल पर्पज के लिए किराए पर उठाना भी शामिल है या किसी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज किया जा रहा है उस बिल्डिंग को,
तो इन दैट केस ऑल्सो ये जो भी इनकम उससे डिराइव हो रही है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। यानी कि प्योरली अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए वो बिल्डिंग या लैंड का यूज किया जा रहा है तभी उससे डिराइव जो भी इनकम होगी वो टैक्स फ्री होगी, वो एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में आएगी और किसी कंडीशन में नहीं आएगी। तो खास तौर पे जब हम कहते हैं कि उसका इस्तेमाल रेजिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ये जो रेजिडेंशियल पर्पस की बात हो रही है ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो कि उस लैंड पे काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं, जिनको हमने काम पे लगा रखा है, उन्हीं के रिहायशी पर्पस के लिए अगर हमने वो लैंड यूज कर रहे हैं, मतलब वो रिहायशी पर्पस के लिए वो बिल्डिंग का यूज हो रहा है, तब जो भी इनकम उससे जनरेट भी अगर होती है, क्योंकि इनको किराए पे बैठा रखा है जिसको कि वो हमारा ही काम कर रहे हैं, तो उस केस में उसका लिंक जो है उस एक्टिविटी से हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उस बिल्डिंग का इस्तेमाल फिर ऐसे पर्पस के लिए हो रहा है जो कि उसमें वो प्रक्रिया की जा रही है। जैसे मैंने वर्कर लगा रखे हैं कटाई छटाई, तो उनका इंटीमेट लिंक है उन वर्कर्स का मेरी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ, तो इसलिए जो भी इनकम डिराइव हो रही है उस एग्रीकल्चर एक्टिविटी से संबंध रखती है और इस वजह से एग्रीकल्चर इनकम होगी। लेकिन अगर मैं उस मकान को जो कि लैंड पे है तो किसी थर्ड पार्टी को किराए पे दे देता हूँ, तो वो फिर उसका वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पस हो जाएगा और फिर वो उस इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। इसी तरह से अगर मैं उस लैंड या बिल्डिंग का इस्तेमाल किसी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए कर लेता हूँ तो भी उसका हम पर्पस नहीं मानेंगे, एग्रीकल्चर पर्पस नहीं मानेंगे और इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। इसके बाद आते हैं एक्सप्लेनेशन 3 पे। एक्सप्लेनेशन 3 ये कहता है कि इस क्लॉज के पर्पस के लिए, ठीक है, आप ये देखेंगे कि इसमें बार बार ये शब्द आएंगे क्लॉज, सब क्लॉज, सेक्शन, सब सेक्शन। तो सेक्शन के अंतर्गत सब सेक्शन होते हैं, सब सेक्शन के अंतर्गत क्लॉज होते हैं और क्लॉज प्रोविजो में भी हो सकते हैं। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज एनी इनकम इज डिराइव फ्रॉम सैपलिंग और सीडलिंग ग्रोन इन अ नर्सरी शैल बी डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम। अगर कोई छोटे पौधे या जो बीज से पौध निकलती है, पौधे या जो बीज से जस्ट निकले हुए जो पौधे हैं उसको हम नर्सरी में उगा रहे हैं और नर्सरी हमने बना रखी है और नर्सरी का काम कर रहे हैं जहां पर हम सैपलिंग उगा रहे हैं, सीडलिंग उगा रहे हैं और उससे उनको हम बेच रहे हैं, तो वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तो ये डीमिंग वर्ड इसलिए यूज करना पड़ता है कि अगर बहुत स्ट्रिक्टली इसको देखते हैं आप तो हो सकता है ऊपर दी हुई डेफिनेशन में पूरा ना पड़ रहा हो, तो इसलिए हम लोगों ने कह दिया कि इसको मान लिया जाएगा। इसको बोलते हैं डीमिंग क्लॉज। डीमिंग क्लॉज में इसको मान लिया जा रहा है। तो कई बार जब हम डीमिंग क्लॉज को लीगल फिक्शन के क्लॉज भी बोलते हैं, लीगल फिक्शन मतलब वो है नहीं लेकिन उसको माना जा रहा है, लीगली लॉ के द्वारा माना जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी सैपलिंग या सीडलिंग ग्रो किए जाते हैं और उससे अगर इनकम डिराइव होती है, बस ये कि सैपलिंग या सीडलिंग नर्सरी में उगाए जाने चाहिए, ऐसे खरीद के नहीं बेच देने चाहिए। जैसे एक बार ऐसा हुआ था जब हमारे पास एक सर्च का केस आया जिसमें कि व्यक्ति ने एग्रीकल्चर इनकम दिखाई हुई थी, तो लेकिन जो उसने कॉपियां वहां रखी थी जो सीज हुई थी, तो उसमें बड़ा सिस्टमेटिकली उसने बना रखा था कि रोज कम से कम 8-10 ट्रक आ रहे हैं। उस नर्सरी का बहुत बड़ा बिजनेस था, तो 8-10 ट्रक आ रहे हैं, उसमें पीछे से सैपलिंग आ रही है, सीडलिंग आ रही है और वहीं के वहीं वो बिक भी जा रही है। तो वो उगा नहीं रहे थे, वो केवल मंगाते थे और बेचते थे, थोड़ा बहुत उगा भी रहे होंगे लेकिन जितना बिक रहा था उतना नहीं उगा रहे थे, उतनी जगह ही नहीं थी उनके पास और बहुत डिटेल्ड रिकॉर्डिंग थी कॉपियों में कि फलाना ट्रक का नंबर आया और ये फलाना इसका मालिक है ट्रक का और ये सैपलिंग या सीडलिंग लाया और इसने इससे हमने खरीदा और फिर इसको इधर ये बेच दिया। तो बिक्री का अलग था उनका कॉपी
और परचेज का अलग था, तो वहां पर ऐसे केस में वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वहां पे सैपलिंग या सीडलिंग ग्रो नहीं की जा रही है नर्सरी में, केवल परचेज करके बेची जा रही है। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन फोर ये कहता है कि जब हम पॉपुलेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ऊपर की इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो हम उस पॉपुलेशन को देखने के लिए पिछला जो भी सेंसस हुआ था, जनगणना जिसको बोलते हैं, लास्ट प्रीसीडिंग यानी पिछली जो भी हुई थी, हाल की जो पिछली हुई जनगणना है, जिसके फिगर्स पब्लिश किए जा गए रहे हैं प्रीवियस ईयर शुरू होने के पहले दिन से पहले, अगर प्रीवियस ईयर शुरू होने के बाद पब्लिश हुए हैं तो उस सेंसस की पॉपुलेशन फिगर नहीं ली जाएगी। अगर प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे से पहले पब्लिश हुए हैं तब ये फिगर ली जाएगी। तो ये तो हो गया एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन। अब आते हैं अमेलगमेशन के डेफिनेशन पे। अमेलगमेशन शब्द जो है वो कंपनीज के रिस्पेक्ट में यूज किया जाता है, और इसका मतलब होता है मींस द मर्जर ऑफ वन और मोर कंपनीज विद अनदर कंपनी, यानी एक या उससे ज्यादा कंपनीज एक और कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, यानी मिलन हो रहा है उनका, मिल जा रही है, और द मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज टू फॉर्म वन कंपनी, या दो या उससे ज्यादा कंपनीज आपस में मिलकर एक कंपनी बना ले रही हैं। जैसे कई सारी कंपनीज हैं, उन्होंने आपस में तय किया कि हम मिल जाएंगे और एक कंपनी बना लेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है, जिस जैसे पहले देखा गया कि एक या उससे ज्यादा कंपनीज जो हैं वो किसी तीसरी कंपनी से बात करती हैं और उससे उनका मर्जर हो जाता है, और जो कंपनियां जो मर्ज होती हैं उनको अमेलगमेटिंग कंपनी बोलते हैं या अमेलगमेटिंग कंपनीज बोलते हैं, कि वो मर्ज हो रही हैं, और जिसके साथ वो मर्ज होती हैं एंड द कंपनी विथ विच दे मर्ज, या जो बन जाती कंपनी जहां पर कई कंपनियां मिलकर एक कंपनी बना रही हैं, तो जिसके साथ वो मर्ज होती है या जो जो बन जाती है मिलकर, वो अमेलगमेटेड कंपनी कहलाती है। अमेलगमेटिंग कंपनी वो होती है जो पहले पहले होती है, अमेलगमेटेड कंपनी जो बाद में होती है। और उसमें उसके बाद अमेलगमेशन के तीन कंडीशंस भी दिए हैं, इन सच ए मैनर कि इस तरह से वो मर्ज होती हैं कि जिससे कि सारी की सारी प्रॉपर्टी जो अमेलगमेटिंग कंपनी या कंपनीज की है अमेलगमेशन से पहले, वो प्रॉपर्टी बन जाएगी अमेलगमेटेड कंपनी की उस अमेलगमेशन के कारण से, बाय वर्च्यू ऑफ द अमेलगमेशन। यानी सारी की सारी प्रॉपर्टी अमेलगमेटिंग कंपनी की जो है वो अमेलगमेटेड कंपनी की प्रॉपर्टी बन जानी चाहिए। इसी तरह से सारी की सारी जो लायबिलिटी है अमेलगमेटिंग कंपनी की या कंपनीज की, जो अमेलगमेशन से पहले की लायबिलिटी है, वो भी अमेलगमेटेड कंपनी की लायबिलिटी बन जानी चाहिए उस अमेलगमेशन के वजह से। और ये दोनों, इसके बीच में अथवा का प्रयोग नहीं है, यानी दोनों काम का होना जरूरी है। और इसके साथ साथ तीसरा एक और कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जो कि 3/4 से कम होल्ड नहीं कर रहे हैं शेयर्स की वैल्यू का अमेलगमेटिंग कंपनी में या अमेलगमेटिंग कंपनीज में, यानी वो शेयर होल्डर जो कि 3/4 से ज्यादा वैल्यू के शेयर होल्डर हैं कुल मिला के, अदर देन शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड देयर इन इमीडिएटली बिफोर द अमेलगमेशन बाय और बाय अ नॉमिनी फॉर द अमेलगमेटेड कंपनी और इट्स सब्सिडियरी, उसमें वो शेयर पहले हटा देंगे हम लोग जो कि शेयर किसी अमेलगमेटिंग कंपनी के नॉमिनी के पास ही हैं, या सॉरी अमेलगमेटेड कंपनी के किसी या उसकी किसी सब्सिडियरी का जो नॉमिनी है उसके पास पहले से शेयर थे, जो जो ऑलरेडी होल्ड कर रहा था वो अमेलगमेशन से पहले, तो बाद में वो मान लीजिए नॉमिनी बन गया अमेलगमेटेड कंपनी के लिए या उसकी सब्सिडियरी के लिए, तो अगर वो पहले से कुछ होल्ड कर रहा है शेयर्स, उनको छोड़ते हुए, यानी उनको पहले माइनस कर देंगे, उसके बाद जो वैल्यू बचती है शेयर्स की उसका 3/4 हिस्सा जो है जो भी शेयर होल्डर्स होल्ड करते हैं
यानी तीन चौथाई के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे अमालगमेटेड कंपनी के भी शेयर होल्डर्स, यानी कि वो शेयर होल्डिंग भी सब्सटैंशियली वही बनी हुई है, यानी सब्सटैंशियली वही शेयर होल्डिंग बनी हुई है, क्योंकि 75% के जो तीन चौथाई के जो शेयर होल्डर हैं वो अमालगमेटेड कंपनी में भी शेयर होल्डर बने हुए हैं उतने ही वैल्यू के, तो बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ द अमालगमेटेड कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ द अमालगमेशन। उसके बाद अदरवाइज देन एज द रिजल्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वन कंपनी बाय अनदर कंपनी, और ये जो बन जाते हैं शेयर होल्डर या जो अमेलगमेशन होता है उसमें प्रॉपर्टी का जो एक्विजिशन एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी में करती है वो शामिल नहीं होगा। तो जब हम कहते हैं कि एसेट वही रहने चाहिए तो उसमें अगर कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स अक्वायर कर रही है, प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है, क्योंकि उस वहां पर प्रॉपर्टी का परचेज हो रहा है पर्सुएंट टू द परचेज ऑफ सच प्रॉपर्टी बाय द अदर कंपनी और एज अ रिजल्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द अदर कंपनी आफ्टर द वाइंडिंग अप ऑफ द फर्स्ट मेंशन कंपनी, जहां पर भी वाइंडिंग अप हो रहा है यानी कि वो कंपनी बंद की जा रही है और कंपनी के वाइंड अप होने की वजह से कोई प्रॉपर्टी की बिक्री हो रही है और उस बिक्री के तहत वो प्रॉपर्टी कोई परचेज हो रही है, तो वो अमालगमेशन के तहत नहीं आता है। तो इसीलिए लिखा है कि जो प्रॉपर्टी का एक्विजिशन हो रहा है वो परचेज के सेंस में हो रहा है और ऐसे केस में हो रहा है जहां पे बाइंडिंग अप हो रही है। तो ये कुल मिला के डेफिनेशन है अमेलगमेशन की, और अमेलगमेशन का जो मेन पर्पस है इनकम टैक्स एक्ट में वो ये है कि जब भी कोई अमेलगमेशन होता है तो सरकार उसको प्रमोट करना चाहती है कि कंपनीज के बीच में मर्जर और अमेलगमेशन वगैरह होने चाहिए और उसका कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर जब भी कोई दो कंपनियां अमेलगमेट करेंगी और उसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा तो सोचेंगे बेकार ही अमेलगमेट कर रहे थे, तो और उससे क्या होता है जो रैशनलाइजेशन होता है या जो एफिशिएंसी का इम्प्रूवमेंट हो सकता है अमालगमेशन से वो डिस्करेज हो जाएगा। तो सरकार ये नहीं चाहती कि कोई भी डिस्करेजमेंट हो अमालगमेशन के लिए, क्योंकि नॉर्मली जो अमालगमेशन वगैरह किया जाता है वो प्रोसेसेस को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, कंपनीज को ज़्यादा प्रॉफिटेबल और एफिशिएंट बनाने के लिए किया जाता है, और भी इसी तरह के कारण होते हैं जो कि एक तरह से रेगुलर कारण माने जाएंगे। ये कारण बहुत ही इम्पोर्टेंट और रेगुलर कारण माने जाएंगे और इसमें ये समझा जाएगा कि ये इस वजह से किए जा रहे हैं क्योंकि कंपनीज को ज़्यादा एफिशिएंट बनने की ज़रूरत है, और क्योंकि कंपनीज को ज़्यादा एफिशिएंट बनने की ज़रूरत है और इसलिए हम उसको एनकरेज करना चाहते हैं, तो एनकरेज करने के लिए सरकार अमेलगमेशन और मर्जर को प्रमोट करती है, और जब भी कोई अमेलगमेशन होता है उसमें अगर एसेट्स भी ट्रांसफ़र होते हैं तो उस पर सरकार कैपिटल गेन टैक्स नहीं लेती है। तो इसलिए ये शब्द अमेलगमेशन का जो प्रयोग है, या आप देखेंगे कि कैपिटल गेन के जो हमारे प्रावधान हैं उनके तहत इसका इस्तेमाल होगा और वहां पे आपको नजर आएगा कि ये वहां पे इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मेन कॉन्टेक्स्ट जो है वो कैपिटल गेन के सेक्शन में भी है और भी जगह पर भी है, लेकिन प्राइमरली वहां पे है। तो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट डेफिनेशन। तो ये सेक्शन 117 है, इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस आपको नजर आएंगे, तो इसका जगह जगह आपको यहाँ पर रेफरेंस आएगा कि एडिशनल कमिश्नर अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन है तो वहाँ पर आप देख लीजिए कि जिस व्यक्ति को भी एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पद पे जिसको अपॉइंट किया गया है वो उसको सेक्शन 117(1) के तहत अपॉइंट किया जाता है, तो इसलिए वो है एडिशनल कमिश्नर। इसी तरह से एडिशनल डायरेक्टर है वो भी 117(1) में है, तो एक मिनट के लिए हम जाके 117 सेक्शन को देख लेते हैं क्योंकि उसका कनेक्शन यहाँ से सीधा है और केवल इसी सेक्शन में इसका इसी क्लॉज में इसका प्रयोग नहीं दिखेगा आपको, और भी नीचे दिखेगा, तो इसलिए एक बार हम 117 में जाके देखेंगे, और ये आपका 117।
It's not a very big section, but it is going to be referred again and again in definition. तो यहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटी के अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है कि केंद्र सरकार को अगर टैक्स लेना है तो भी उनको इनकम टैक्स अथॉरिटीज को अपॉइंट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे इसको प्रावधानित किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है उन पर्संस को जिनको भी वो फिट समझती है कि वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज हो जाए. और उसके बाद विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 11, सबसेक्शन 1, ये जो क्लॉज यहाँ पे सॉरी फ्रेज यहाँ पे यूज किया गया, इसका मतलब ये है कि सबसेक्शन 2 में हम जो भी कहने जा रहे हैं उस सबसेक्शन 1 के प्रावधानों को किसी भी तरह से उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा, यानी उनके प्रभाव को बरकरार रखेगा. यानी सबसेक्शन 2 जो है वो सबसेक्शन 1 के अधीन चलेगा, सबसेक्शन 1 के ऊपर नहीं निकल जाएगा. कभी कभी हम लिखते हैं नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 1, वहां पे हम ये कह रहे हैं कि अब जो हम कहने जा रहे हैं वो ज्यादा प्राथमिकता वाली चीज है. जब भी हम कहते हैं नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग गिवन एनीवेयर एल्स या इन सबसेक्शन 1, तो हम कहना चाह रहे हैं कि जो अब हम कहना चाह रहे हैं वो ज्यादा प्राथमिकता वाली बात है. लेकिन जब हम कहते हैं कि विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस, ये ठीक विपरीत बात है कि भाई ये प्राथमिकता नहीं है, इसके ऊपर वाली चीज को प्राथमिकता मिलेगी जहां पर भी प्राथमिकता का प्रश्न आएगा. तो विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 एंड सब्जेक्ट टू द रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेटिंग द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्संस इन पब्लिक सर्विसेज एंड पोस्ट. तो केंद्र सरकार जो है कंडीशंस ऑफ सर्विस रेगुलेट कर सकती है उन पर्संस की जो कि पब्लिक सर्विसेज में हैं, और इसके संबंध में रूल एंड ऑर्डर पास कर सकती है. और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रेगुलेट करने का काम कर रही है उसके तहत जो भी रूल बना रखे हैं उन्होंने, उसके अधीन रहते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज कर सकती है बोर्ड को या प्रिंसिपल डीजी को या डीजी को या प्रिंसिपल सीसी को या सीसी को या प्रिंसिपल डायरेक्टर को या डायरेक्टर को या प्रिंसिपल कमिश्नर को या कमिश्नर ऑथराइज कर सकती है केंद्र सरकार कि वो इनकम टैक्स अथॉरिटी अपॉइंट कर लें असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के रैंक से नीचे वाले. यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रैंक के जो अथॉरिटीज हैं या उससे ऊपर के जो अथॉरिटीज हैं उनके बारे में कोई ऑथराइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है. यानी वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है उनको अपॉइंट करने का, लेकिन इससे जो नीचे की अथॉरिटीज हैं इसके बराबर जो ACIT या DCIT के लेवल से जो नीचे की अथॉरिटीज हैं इनके अपॉइंटमेंट करने के लिए इनमें से किसी भी रैंक्स को ऑथराइज किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. और ऑफ कोर्स उनका जो कंडीशंस ऑफ सर्विस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट वो रूल और ऑर्डर पास कर सकती है जिससे कि ये जो अथॉरिटीज हैं इनके कंडीशंस ऑफ सर्विस रेगुलेट होंगे. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इनको अपॉइंट करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और इसके लिए ऑथराइज भी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो. और उसके बाद जो तीसरा पार्ट है तो उसमें लिखा है कि सब्जेक्ट टू द रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेटिंग द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्संस इन पब्लिक सर्विस एंड पोस्ट. तो इन्हीं रूल्स के तहत जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, रूल्स के तहत कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी जिसको कि ऑथराइज कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा, जैसे ऊपर कहा जा रहा है कि ऑथराइज कर सकते हैं, तो कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी जो ऊपर मेंशन है जिनको ऑथराइज किया जा सकता है कि भी आप असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे के लेवल पे अपॉइंटमेंट करिए, और जिनको ऑथराइज किया गया है इन दिस बिहाफ बाय द बोर्ड, मे अपॉइंट सच एग्जीक्यूटिव और मिनिस्ट्रियल स्टाफ एज मे बी नेसेसरी. तो यहां पर क्या किया जा रहा है कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ को अपॉइंट करने के लिए जो 2 में बात हो रही थी वहां पे हम ये कह रहे हैं कि जो अपॉइंटमेंट होने हैं वो एज इनकम टैक्स अथॉरिटीज पे होंगे,
और सबसेक्शन तीन में अपॉइंटमेंट होने हैं एग्जीक्यूटिव या मिनिस्ट्रियल स्टाफ के। तो जहां तक इनकम टैक्स अथॉरिटीज के अपॉइंटमेंट की बात है तो उनके अपॉइंटमेंट जो एसीआईटी या डीसीआईटी से नीचे के लेवल के हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज कर सकती है बोर्ड को भी या किसी भी और अथॉरिटीज को जो यहाँ मेंशन है टू में। लेकिन जहां तक कि मिनिस्टेरियल स्टाफ या एग्जीक्यूटिव स्टाफ को अपॉइंट करने का प्रश्न उठता है तो बोर्ड यहाँ पे ऑथराइज कर सकता है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं कर रही है, बोर्ड ऑथराइज कर सकता है किसी भी इनकम टैक्स अथॉरिटी को कि वो मिनिस्टेरियल स्टाफ या एग्जीक्यूटिव स्टाफ का अपॉइंटमेंट कर देगा जैसे भी जरूरी हो टू असिस्ट इट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स फंक्शंस। तो ये जो मिनिस्टेरियल स्टाफ का अपॉइंटमेंट है इनका काम है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी को असिस्ट करना। इनकम टैक्स अथॉरिटी को असिस्ट करने का काम है एग्जीक्यूटिव या मिनिस्टेरियल स्टाफ का, और इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बोर्ड ऑथराइज करेगा जिस भी इनकम टैक्स अथॉरिटी को, वो अपॉइंटमेंट इनका कर सकता है। यहां पर ये व्यवस्था है कि स्टाफ से लेके इनकम टैक्स अथॉरिटी तक जो है जो ऑफिसर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। यानी पहले हमने एक्ट बना दिया, एक्ट के बाद हम चाहते हैं कि अब उसका एक्ट का क्रियान्वयन होगा तो क्रियान्वयन करने के लिए हमको इनकम टैक्स अथॉरिटीज की जरूरत पड़ेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एसीआईटी और डीसीआईटी रैंक और उसके ऊपर की रैंक का तो खुद अपॉइंटमेंट करती है जैसा कि आप जानते भी हैं, और इसके नीचे की जो रैंक है जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज की रैंक है उनका अपॉइंटमेंट के लिए सरकार जो है वो ऑथराइज कर सकती है कि इन लोगों को जो कि मेंशन है उसमें बोर्ड को भी ऑथराइज कर सकती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है एग्जीक्यूटिव और मिनिस्टेरियल स्टाफ की, तो इनका अपॉइंटमेंट जो है वो किसी भी इनकम टैक्स अथॉरिटी को करने के लिए कहा जा सकता है बोर्ड के द्वारा। यहाँ पे बोर्ड ये पावर दे रहा है, ऑथराइज कर रहा है। नंबर टू में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज कर रही है और बोर्ड को भी ऑथराइज कर सकती है वो। ये नंबर थ्री में जो है वो बोर्ड खुद ऑथराइज कर रहा है, बोर्ड को कहा जा रहा है ऑथराइज करने के लिए। ये हो गया सेक्शन 117। गो बैक टू सेक्शन 2 अगेन। तो चूंकि हमने 117 पढ़ लिया तो जहां पर भी 117 का रेफरेंस आएगा उसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे कि बहुत सारी जो रैंक्स यहाँ दी हुई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि इस पर व्यक्ति का अपॉइंटमेंट जो है वो 117(1) के तहत हुआ होगा। अब आ जाते हैं सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 एनुअल वैल्यू को डिफाइन करता है। एनुअल वैल्यू शब्द जो है उसका प्रयोग सेक्शन 23 में जो किया गया और वहां पर ही उसको डिफाइन भी किया गया, तो इसलिए यहाँ पर उसकी डेफिनेशन नहीं दी हुई है क्योंकि उसकी डेफिनेशन सेक्शन 23 में ऑलरेडी है। इसी प्रकार से एपलेट ट्रिब्यूनल की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 252 में होती है, और अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड की जो डेफिनेशन है का मतलब यह है कि वो ग्रेचुटी फंड जिसको कि अप्रूव किया गया है और लगातार अप्रूव्ड है प्रिंसिपल सीसी के द्वारा, सीसी के द्वारा या प्रिंसिपल सीआईटी या सीआईटी के द्वारा जो भी रूल्स बनाए गए हैं फोर्थ शेड्यूल के पार्ट सी में, उन रूल्स के तहत वो अप्रूव्ड है। इसी तरह से अप्रूव सुपर एनुएशन फंड के बारे में लिखा है कि फोर्थ शेड्यूल जो है इनकम टैक्स एक्ट का उसके जो पार्ट डी में रूल्स हैं उसके तहत अगर कोई अप्रूव्ड है सुपर एनुएशन फंड और वो कंटिन्यू कर रहा है अप्रूव्ड होते हुए, उसका अप्रूवल खत्म नहीं हुआ है, तो वो कहलाएगा अप्रूव सुपर एनुएशन फंड। सेक्शन 7 सब सेक्शन 7 में एसएससी की डेफिनेशन दी हुई है, और एसएससी की डेफिनेशन का मतलब है कि एक ऐसा पर्सन, कोई भी पर्सन, जब हम कहते हैं कोई भी पर्सन तो पर्सन की डेफिनेशन हम पर्टिकुलर नीचे सबसेक्शन से लेके जहां जो अभी नीचे आएगी तो वो हम देखेंगे कि पर्सन को कैसे डिफाइन किया हुआ। लेकिन पर्सन शब्द इसीलिए जहां भी प्रयोग आ रहा है तो आप समझिए कि उसका डेफिनेशन है वो आपको डेफिनेशन क्लॉज में देखना जहां पर पर्सन वो डिफाइंड है। क्योंकि यहां पे क्योंकि अल्फाबेटिकली चल रहे हैं आप देख सकते हैं कि
ये लेटर डिफाइन हो रहा है पहले, तो इसलिए अभी वो आएगा आगे, तब हम देखेंगे उसको। एसएससी का मतलब होता है कोई भी पर्सन जिसके द्वारा कोई टैक्स या कोई दूसरी दूसरी जो राशि है पैसे में, मनी में, वो पेबल है इस एक्ट के तहत, इनकम टैक्स एक्ट के तहत, अगर कोई राशि, कोई भी तरह की राशि, चाहे वो टैक्स हो चाहे टैक्स नहीं भी, कोई भी राशि अगर पेबल है अंडर दिस एक्ट अगर उसके द्वारा, तो वो एसएससी है। और इसमें कौन कौन शामिल है, तो इसमें इंक्लूड जब लिखते हैं तो इसका मतलब ये भी शामिल है, ये ही नहीं है, ये भी शामिल है। कौन कौन शामिल है, मतलब ये वाइड डेफिनेशन है जिसमें ये दोनों भी, ये तीनों भी शामिल है। एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम और असेसमेंट ऑफ द फ्रिंज बेनिफिट्स और ऑफ द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इज असेसेबल, अगर कोई प्रोसीडिंग ली गई है किसी पर्सन के रिस्पेक्ट में इस एक्ट के तहत, अगर कोई प्रोसीडिंग ली गई है उसकी इनकम को असेस करने के लिए या उसके फ्रिंज बेनिफिट्स को असेस करने के लिए, तो और या फिर या किसी और पर्सन के लिए भी, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव असेसी है जिसके जिसके लिए वो असेसिबल है, इसके की आगे सेक्शंस आते हैं 160 वगैरह में है रिप्रेजेंटेटिव असेसी के सेक्शंस, या जो उसने कोई लॉस सस्टेन किया है तो उसका असेसमेंट होना है, उसकी प्रोसीडिंग ली गई है, या किसी दूसरे पर्सन के द्वारा लॉस हुआ है जिसका कि वो रिप्रेजेंटेटिव असेसी है, या उसको कितना रिफंड ड्यू है उसका आकलन होना है, या किसी और व्यक्ति के द्वारा कोई रिफंड ड्यू है उसका आकलन होना है, तो अगर प्रोसीडिंग ली गई है तो भी वो असेसी है। और इसके अलावा एवरी पर्सन डीम टू बी एसेसी, अगर इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार हमने किसी को मान लिया एसेसी तो वो भी एसेसी है। और कभी कभी ऐसे भी प्रावधान आपको आएंगे कि अगर कोई प्रावधान, कोई भी प्रावधान में वो डिफॉल्ट हो जाता है, यानी कि वो पूरा नहीं कर पाता टाइम से, तो अगर डिफॉल्ट होने की वजह से एसएससी पेमेंट नहीं कर पा रहा है और वो उसको डिफॉल्टर एसएससी मान लिया गया है, तो उसके उससे जब भी किसी एसएससी को हम एसएससी डिफॉल्ट मानते हैं उससे फिर हम टैक्स रिकवर कर सकते हैं रिकवरी प्रावधानों के अनुसार। तो यदि ऐसा एसएससी है जिसको कि हमने एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया है तो वो भी एक हमारे लिए एसएससी है। तो एसएससी वो है जिसके द्वारा टैक्स पेबल है और जो जो खास तौर पे वो जिसका कि कोई प्रोसीडिंग चल रही है या इसको एसएससी मान लिया गया है किसी भी प्रावधान में आट के, या वो डिफॉल्टर है जिसको डिफॉल्टर मान लिया गया है टैक्स पेमेंट के संदर्भ में। उसके बाद 7A असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर का मतलब है वो ACIT या DCIT हो सकता है या ADIT या DDIT हो सकता है या ITO हो सकता है, जिसको कि सुसंगत ज्यूरिसडिक्शन दिया गया है क्योंकि कोई डायरेक्शन पास किए गए, ऑर्डर इशू किए गए हैं अंडर सबसेक्शन 1 और 2 ऑफ सेक्शन 120, और 120 सेक्शन में ज्यूरिसडिक्शन ऑर्डर इशू किए जाते हैं, तो अगर उसको ज्यूरिसडिक्शन दे दिया गया है, जब तक उसको ज्यूरिसडिक्शन नहीं मिलेगा, ज्यूरिसडिक्शन नहीं उसका कार्यभार मिल रहा है उसको, तो जब उसको कार्यभार मिल जाता है तो वो 120 सेक्शन के तहत मिलता है। तो जब उसको रेलिवेंट ज्यूरिसडिक्शन मिल गया, हुआ बीन वेस्टेड विद द ज्यूरिसडिक्शन, यानी उसको सजाया संवराया गया ज्यूरिसडिक्शन के द्वारा, तो जब यानी कि जिसको ज्यूरिसडिक्शन दे दिया गया है, तो और ये ज्यूरिसडिक्शन 120 सेक्शन के 1 या 2 सबसेक्शन में होता है जो कि ऑर्डर इशू किए जाते हैं, या किसी भी एक्ट के, इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार
अगर डायरेक्शन इशू किए गए हैं एंड एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल डायरेक्टर और जॉइंट कमिश्नर और जॉइंट डायरेक्टर हु इज डायरेक्टेड अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ दैट सबसेक्शन दैट सेक्शन टू एक्सरसाइज और परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द पावर्स एंड फंक्शंस कंफर्ड टू ऑन असाइंड टू अदर सिटिंग ऑफिसर। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एडिशनल डायरेक्टर हो, कमिश्नर हो या एडिशनल डायरेक्टर हो या जॉइंट कमिश्नर या जॉइंट डायरेक्टर हो, तो जिनको या तो क्लॉज बी जो सब सेक्शन 4 का है 120 सेक्शन के ऑफ दैट सेक्शन 120 सेक्शन के जो 4 का बी है उसके तहत जिनको डायरेक्शन दिया गया है एडिशनल डायरेक्टर को या जॉइंट डायरेक्टर को वगैरह वगैरह इस लेवल के ऑफिसर्स को कि वो असेसिंग ऑफिसर के फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। तो अगर कोई डायरेक्शन इन लोगों के लिए इशू किया जाता है तभी असेसिंग ऑफिसर बनते हैं और जो उससे नीचे के लेवल के ऑफिसर्स हैं जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर या डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर, तो उनके लिए जब उनको ज्यूरिसडिक्शन का ऑर्डर किया जाता है उनके लिए तब से वो असिस्टिंग ऑफिसर कहलाएंगे। तो असेसमेंट अगला वर्ड है असेसमेंट। असेसमेंट में शामिल होता है रीअसेसमेंट भी शामिल होता है और असेसमेंट ईयर जो होता है वो 12 महीने का समय होता है जो कि फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से शुरू होता है। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन है जो कि हमने देखी 10 में है। एवरेज रेट, एवरेज रेट कैसे निकलता है? एवरेज रेट का शब्द का प्रयोग 192 सेक्शन में किया गया मिलेगा आपको, वहाँ आप देखिएगा और भी सेक्शन है जहाँ पे एवरेज रेट का प्रयोग किया गया है। एवरेज रेट का मतलब है कि वो रेट जो हम प्राप्त करते हैं बाई डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ द इनकम टैक्स कैलकुलेटेड। अगर कुल मिला के हमको पता है कि इनकम टैक्स कितना आ रहा है टोटल इनकम पे, तो अगर अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स को हम टोटल इनकम से डिवाइड कर देते हैं, तो अगर टोटल इनकम से हम डिवाइड कर देते हैं उसको, तो एक हमारे पास रेशो आ जाता है। तो वही हमारा एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स को डिटरमिन करता है। तो अगर हम कहें कि हमको परसेंटेज एवरेज रेट चाहिए तो उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और एवरेज रेट निकालने के लिए हमको इनकम टैक्स को डिवाइड करना है विद टोटल इनकम। और 11 में कहा जा रहा है ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ब्लॉक ऑफ एसेट्स वर्ड का प्रयोग आपको दिखाई पड़ेगा डेप्रिसिएशन वाले सेक्शंस में। ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब है कि कोई भी ग्रुप ऑफ एसेट्स जो किसी भी क्लास ऑफ एसेट्स को बिलोंग कर रहे हैं। क्लास ऑफ एसेट्स कौन से हैं? दो टाइप के हैं, एक तो टेंजिबल, दूसरे हैं इनटेंजिबल। यानी कि दो क्लास ऑफ एसेट्स हैं, एक है टेंजिबल क्लास ऑफ एसेट्स, दूसरा है इनटेंजिबल क्लास ऑफ एसेट्स। तो ये हम आखिरी एक डेफिनेशन करके देन विल पुट अ स्टॉप टू इट एंड विल स्टार्ट अगेन एट 3 PM। तो मैं बस ब्लॉक ऑफ एसेट्स आपको उसके पहले में समझा देना चाहता हूँ कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब है कि वो ग्रुप ऑफ एसेट्स जो कि या तो इनटेंजिबल एसेट में आएगा या फिर वो टेंजिबल एसेट में आएगा, इन दोनों में से किसी एक में आएगा, राइट? और वो एक ग्रुप ऑफ एसेट्स होगा, एक एसेट नहीं होगा। तो या तो वो टेंजिबल में आ रहा है या फिर इनटेंजिबल में आ रहा है। अब टेंजिबल एसेट वो एसेट होता है, टेंजिबल वर्ड का वैसे मीनिंग होता है कि जिसको आप छू सकते हो, छू के महसूस करने लायक जो चीज होती है वो होती है टेंजिबल, और जो बिना छुए महसूस होती है वो इनटेंजिबल। तो टेंजिबल एसेट्स में आते हैं बिल्डिंग मशीनरी प्लांट या फर्नीचर, और ये स्पेसिफिक डेफिनेशन है कि टेंजिबल एसेट में यही आते हैं। और इसमें ये नहीं लिखा कि टेंजिबल एसेट्स इंक्लूड, जब इंक्लूड वर्ड यूज किया जाता है तो यानी ये भी आते हैं, जब इंक्लूड वर्ड नहीं लिखा हुआ ये ही आते हैं। तो इनटेंजिबल एसेट्स में नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजेस और एनी अदर कोई भी बिजनेस या कमर्शियल राइट जो इसी नेचर का होता है, गुडविल नहीं होना चाहिए। तो ये जो खासतौर पर देख रहा नॉट बीइंग गुडविल, ये जो शब्द लाया गया नॉट बीइंग गुडविल, इसको अगर क्लिप करें तो 1/4/2021 से लागू हुआ है। यानी कि इसके पहले यहाँ पे स्पेसिफाई करना जरूरी समझा गया अब जाके 1/4/2021 से कि गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स में नहीं आता।
बाकी जो इंटेंजिबल एसेट्स जैसे आपके समक्ष नो हाउ, किसी चीज की नॉलेज, कोई अगर कोई नया चीज ईजाद करता है उसका नो हाउ उसके पास होता है तो ये भी एक एसेट होता है, क्योंकि उस नो हाउ को अगर वो किसी को देगा या किराए पे देगा तो उसका पैसा मिलेगा। ऐसी पेटेंट है जो कि किसी ने कोई तरीका निकाला, कोई प्रक्रिया निकाली, कोई इन्वेंशन करने की या कोई नई चीज बनाने की प्रक्रिया निकाली, उस प्रक्रिया को लोग पेटेंट करा लेते हैं कि मैंने निकाला है, पेटेंट ऑफिस में जाके रजिस्टर हो जाती है वो, उसके बाद कोई और व्यक्ति उसको यूज करके पैसा नहीं कमा सकता क्योंकि वो मेरा खुद का पेटेंट है। उसके बाद है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब इनटेंजिबल एसेट्स हैं। जो इनटेंजिबल एसेट की क्लास में आते हैं और ब्लॉक ऑफ एसेट बनने के लिए ये वो ग्रुप ऑफ एसेट्स है जिसका डेप्रिसिएशन रेट एक ही है, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो सेम होना चाहिए। अगर परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन अलग है तो वो ग्रुप ऑफ एसेट्स को ब्लॉक ऑफ एसेट नहीं कहलाएगा। तो किसी भी ग्रुप ऑफ एसेट्स को ब्लॉक ऑफ एसेट बनने के लिए डेप्रिसिएशन रेट सेम होना चाहिए, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर आके और यहाँ पर आपको लंच के लिए फ्री करते हैं और आप यहाँ से लंच करिए और लंच के बाद जो भी अपना थोड़ा रिवीजन करिए जो हमने अभी तक की पढ़ाई की है। देखिए जैसे क्लासेस हो रही हैं तो थोड़ा थोड़ा आपको रिवीजन भी करते रहना चाहिए, बिकॉज रिवीजन करने से ही आप वो चीज़ आपको पक्का तौर पे आपके दिमाग में बैठेगी, नहीं तो उसी दिन की चीज़ उसी दिन भी गायब हो सकती है। तो इसलिए डू रिवाइज जो भी हमने पढ़ा है और अपने मन में क्वेश्चंस को भी इकट्ठा करते जाइए। जब हम लोग कुछ बात बता रहे हैं तो उस वक्त भी आप चाहें तो क्लैरिफिकेटरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, उसी बारे में चर्चा भी आप कर सकते हैं। अगला सेशन जो हमारा होगा 3 बजे से शुरू होगा और हमारी कोशिश रहेगी कि 4:30 तक तो डेफिनेटली नहीं खत्म हो सकता है, बट वी विल ट्राई टू टेक इट अप टू 5 o'clock, नॉट बियॉन्ड 5 o'clock। आप अपना 5 बजे तक का समय जो है उसको फिक्स करके चलिएगा, जिससे कि आपको ये ना हो कि 4:30 बज गया खत्म हो रहा है टाइप का, बिकॉज वी हैव टू डील विद इट इन ए प्रॉपर वे। और अच्छा रहेगा कि हम इसको 3 बजे से शुरू करके और 5 बजे तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग लंच कर लीजिए और फिर से हमारे साथ शामिल होइए 3 बजे से, एंड वी विल कंटिन्यू विद द सेशन एट 3 PM। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। थैंक यू सर।